हाई एब्रीमान गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन अकेडमी नीट गाइज़ आवाज़ आ रही है एक बारी बता दीजिए हाय 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 एब्रीमान गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन अकेडमी नीट येस आई एम आई ऑडिबल ओके यस आई एम सो वेलकम बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड आई शुड से बिलेटेड वैसे तो नया साल शुरू हो गया है सो इट इज़ हैप्पी दिवाली टू ऑल द लर्नर्स ऑफ अन अकेडमी बहुत बहुत बधाई हो एंड आई होप आपने ये फेस्टिवल बहुत ही सेफली एंड बहुत ही खुशी से अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया होगा जिसमें यू हैड अ ब्लास्ट एंड यू हैड रियली अमेजिंग टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आई रियली होप कि आप सबने खूब इन्जॉय किया एंड अपने उस टाइम को अच्छे से यूज़ किया देखो जाने से पहले मैंने बोला था कि यार कुछ छुट्टियाँ तुम्हारा स्कूल दे रहा है कुछ छुट्टियाँ हमारी तरफ से मिल रही हैं तो इन छुट्टियों को वेस्ट ना किया जाए नो डाउट सेलिब्रेशन जरूरी है बट इस सेलिब्रेशन में आई होप आपने कुछ ना कुछ अपना बैकलॉग कवर किया होगा जो चैप्टर बच्चा जो आपका छूट गया था वो चैप्टर भी कवर किया होगा आ, अगर कोई बच्चे ने लेट ज्वाइन किया ये भी कर, कवर किया होगा एंड जो ट्वेंटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो थोड़ा शॉक में ही चल रहे होंगे बिकॉज दिस दिवाली ब्रॉड रिजल्ट एंड जो बॉर्डर लाइन पे उनको थोड़ा डर लग रहा है जो काफी आगे हैं दे आर रियली हैप्पी और जो थोड़ा सा पीछे छूट गए हैं दे शुड बी गेयरिंग अप फॉर द नेक्स्ट ईयर देखो जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त का इस साल सिलेक्शन हो गया तो आपका भी हो जाएगा एवरी वन हैज द डिफरेंट जर्नी आप अपनी जर्नी अपने दोस्त से किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते सो so, यार अगर सच्ची में मन में लगन है कि यार करना है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता इस चीज में या सोचते हुए ऐसा नहीं लगता कि और बच्चे ने ड्रॉप कर दिया ड्रॉप इज नथिंग इट इज जस्ट गिविंग टाइम टू योर ड्रीम्स ठीक है किसी का ड्रीम हो सकता है इस साल पूरा हो जाए किसी का शायद अगले साल हो जाए लेकिन एक साल की वजह से हम अपना ड्रीम थोड़ा छोड़ेंगे है ना तो आप बहुत ही वाइजली डिसीजन लीजिएगा जल्दी में आने की जरूरत नहीं है और किसी के इन्फ्लुएंस में आने की आपको जरूरत नहीं है डू वॉट यू फील लाइक डूइंग ये नहीं कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं या फिर आपके रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं आपका क्या मन है आप क्या जिंदगी में करना चाहते हैं क्योंकि बेटा ये जो टाइम है ना डिसीजन मेकिंग टाइम है हेयर यू हैव टू मेक डिसीजन कि मुझे आगे जाकर लाइफ में किस टाइप की जॉब चाहिए मैं किस टाइप का करियर चाहता हूँ तो अगर आप इसी स्टेज पे सोच लेंगे तो वो बेटर है अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है तो बेटा येस जस्ट गिव इट टाइम आप एक साल आराम से तैयारी कर सकते हैं अभी आपके पास कहीं नहीं गए तो छः महीने तो हैं ही है मिनिमम यू हैव सिक्स मंथ्स इनफैक्ट ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि पेपर बिल्कुल टाइम पर नहीं होगा थोड़ा सा वो टाइम आपको एक्स्ट्रा देंगे ही अगले साल भी सो मिनिमम बेटा से छः महीने और छः महीने में तो बेटा अच्छे से मेहनत करोगे तो लाइफ चेंज हो सकती है आपके मार्क्स 300 से 200 से 400 से आराम से 650 प्लस आ सकते हैं ठीक है तो बस सोच के डिसीजन लेना जो भी लोगे बाकी यू हैव योर ब्रेन यू हैव योर पेरेंट्स विद यू तो दे विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट द थिंग्स यस चलिए आगे आ जाते हैं तो आज हमने स्टार्ट करना है विद द न्यू चैप्टर जो बच्चों ने आज मेधावी ज्वाइन किया है मैं मेधावी बता दूं मेधावी इज अ बैच विच इज रनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब यूट्यूब पे हमारी पूरी टीम आपको इस मेधावी में क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का सिलेबस कराएगी पहले हमने क्लास इलेवेंथ से शुरू किया है इससे आगे हम जाएंगे तो हम क्लास ट्वेल्थ भी कवर करेंगे ठीक है तो इस मेधावी में आपका क्लास इलेवेंथ की बात करें तो हमने यहाँ पर एनिमल टिश्यूज कर लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पहला पार्ट एनिमल टिश्यूज देन वी हैड आल्सो बिग 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 चैप्टर दैट इज कंप्लीट हो गया है देन हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी हमने उसमें दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं पहला है डाइजेशन दूसरा है बेटा आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैसेज बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है खाना खाया तो खाने का क्या हुआ उस खाने को खाने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे बनी ये दोनों चीजें हमने वहां डिस्कस कर लिया है आज हम करने वाले हैं द चैप्टर विच इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटांसेस आपकी बॉडी में गैसेस कैसे फ्लो कर रही हैं आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैसे मूव कर रहे हैं हार्मोन्स कैसे मूव कर रहे हैं एंजाइम कैसे मूव कर रहे हैं यानी देयर इज समथिंग इन योर बॉडी विच फ्लो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर उसकी हेल्प से गैसेज विल फ्लो न्यूट्रिय विल फ्लो जो भी है हैं हॉर्मोन्स हैं मिनरल्स हैं एवरीथिंग विल फ्लो सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट फ्लोइंग एजेंसी दैट लिक्विड एंड दैट लीक Uh, क्वि ब्लड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउटेशन किस तरीके की सर्क्यूलेशन होती है अगर आप इलेवंथ में है तो इलेवेंथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं बिल्कुल उनको समझ आएगा बेस से चलेगा अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर के लिए भी ये चीजें बिल्कुल वैलिड है तो एनी वन केन डू अगर आप ट्वेल्थ में रहे हैं बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं

जो भी है दोस्त है अगर कोई भैया है तुम्हारी दीदी है तो यस यू कैन विश देम एज वेल ओके हाँ जी येस yes, बेटा कार्डिय साइकिल भी तो इसी का पार्ट है और किसका पार्ट है कार्डिक साइकिल है और किसका पार्ट है इसी का पार्ट है चलिए तो स्टार्ट कर लें एक बार यार चैट सेक्शन में बता दो कम ऑन गाइस टेल मी इन द चैट सेक्शन लेट मी जस्ट ओपन इट ओके मुझे लगता है इंट्रोडक्शन में सबको क्लियर हो चुका है कि हमने इस चैप्टर में करना क्या है यहाँ पे तेज दौड़ती है यार चैट ओके okay. oh, 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 oh. yes, कैसे कैसे बताएंगे मुझे आपको क्या करना है सेशन को लाइक करना है एंड साथ में मेरी फेवरेट इमोजी अपनी फेवरेट हो गई है वो हमारी क्लास की फेवरेट इमोजी है दमदार इमोजी दिखा देनी है चैट सेक्शन में जब तक मैं आपको बताती हूँ अपना इंट्रोडक्शन सो माय नेम इज बेटा सी पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट विद अन अकेडमी फॉर पास्ट यू नो विध अनडमिक्स बिन मोर देन अयर अमेजिंग जर्नी एंड इन दिस फील्ड इन कोचिंग नीट एस्पिरेंट दैट इज सेवन प्लस ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और इस बार बेटा नीट यू जी का रिजल्ट आया है आपने शायद मेरा रिजल्ट देखा है मेरा मतलब यानी कि मेरे बच्चों का जिन्होंने मेरे से पढ़ाई की थी सो येस यू नो द रिजल्ट डेट वी हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक नाइनटी टू जिसने यहाँ से सेशंस लिए थे वी हैव गॉट मेनी स्टूडेंट्स विद थ्री सिक्सटी आउट ऑफ थ्री सिक्सटी मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ जिसमें बच्चों ने खुद बताया था कि किस तरीके से उनको हमारे सेशन मेरे सेशंस ने हेल्प किया और वो बच्चा मैं बता दूं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट किट जिसके थ्री सिक्सटी में से थ्री सिक्सटी आए दैट स्टूडेंट इज YouTube स्टूडेंट उसने कहीं से कोचिंग नहीं ली नो प्लस नथिंग नो कोचिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट यूट्यूब स्टूडेंट एंड स्पेशल क्लास स्टूडेंट तो बच्चा पूछता है कैन ऑनलाइन से बेटा मैम हमारा नीट हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन से अभी भैया फाइनेंशियली नॉट दैट गुड और यू you नो know, हमारे पास इतने नहीं हैं हम एक छोटे शहर में रहते हैं हम एक गाँव में रहते हैं हमारे पास सिर्फ यूट्यूब है हमारे पास सिर्फ इंटरनेट है क्या उससे नीट हो सकता है बेटा दैट वॉज अ लाइव एग्जाम्पल अगर नहीं देखा तो टेलीग्राम पर जाकर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था उसमें ज़रूर देखना कि 360 आउट ऑफ 360 अगर बच्चा यूट्यूब से लेकर आ रहा है सिर्फ स्पेशल क्लासेस में से लेकर आ रहा है तो वो कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते उसने भी तो पिछले साल में किया द ओनली की ऑफ गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम यूट्यूब इज कंसिस्टेंसी आप लोग पहले दिन आते हो आज चैप्टर का फर्स्ट डे है दौड़ के आओगे कल परसों चौथ धीरे 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 करके तुम्हारा स्पार्क कम होता है और ये नेचुरल है मेरा भी होता है यार चैप्टर के एंड में आगे अब मैम का भी मन कर रहा है कि यार खत्म करो बट अगेन यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ टू शो अप इन द क्लास बस आके शक्ल दिखानी है उसके बाद का काम का मैं कर दूंगी ठीक चलिए तो 360 सिक्सटी आउट ऑफ थ्री अगर यूट्यूब से पॉसिबल है तो बेटा तुम भी कर सकते हो इस साल बच्चों ने किया है आपके पास प्रूफ है आपके पास आपने देखा है कि किस तरीके से मेरी क्लास से बच्चे निकले हैं तो यस बेटा यू कैन अटेंड माई सेशन ऑन यूट्यूब जो कि एवरी डे होंगे सेम टाइम पे थ्री पी एम हमारा टाइम क्या है बेटा थ्री पी ऑन मेधावी और एक टर्म वन में से कितने बच्चे ट्वेल्थ एम नॉट श्योर आप ट्वेल्थ के हो या नहीं हो या फिर ड्रॉपर हो जो बच्चे ट्वेल्थ वाले हैं यानी कि जिन्होंने इस साल सीबीएसई का पेपर देना है मतलब बोर्ड्स देने हैं यू नो दैट बीन डिवाइडेड इनटू टर्म एंड टर्म टू सो बोर्ड्स के लिए भी वी आर स्टार्टिंग न्यू सीरीज फ्रॉम एट्थ ऑफ नवंबर एट्थ ऑफ नवंबर यानी कि मंडे से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है ये चलता रहेगा मेधावी चलेगा इसको नहीं रोकेंगे ठीक है एट्थ ऑफ नवंबर से बेटा मैं आपको टर्म वन की तैयारी कराऊंगी अब उसमें तुम तो अगर टर्म वन वाले बच्चे नहीं भी हो तो तुम्हारे लिए कुछ है सोचो क्या है दिमाग लड़ाओ बेटा यस दिमाग लड़ाइए कुछ तो है जो तुम्हारे लिए भी अगर आप टर्म वन वाले नहीं भी हो इवन देन दैट सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ठीक है अगर आप ड्रॉपर हो नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा टर्म वन में तो ट्वेल्थ आ रही है ना ट्वेल्थ की टर्म वन की तैयारी कराऊंगी टेंथ वालों को नहीं वालों को सो टर्म वन में ट्वेल्थ आ रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ तुम्हारे लिए भी तो जरूरी है नो no डाउट मैंने पिछले संजीवनी कोर्स में सारा डिटेल में कराया था बट ये इन दिस ट्वेंटी डे क्रैश कोर्स जो कि टर्म वन वाले बच्चों के लिए है आप लोग भी अपने उन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं स्ट्रिक्टली 50 टू 55 मिनट्स का सेशन होगा एवरी डे मैं अपना टाइम बता देती हूँ दैट इज 5:30 5:30 थर्टी पी मंडे से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं साढ़े छह से ऊपर नहीं जाएगा ये सिर्फ 5:30 तक ही रहेगा सो so 5:30 थर्टी पी पर यू हैव टू बी देयर टू रिवाइज योर ट्वेल्थ आई एम स्टार्टिंग विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो चाहे तुम टर्म वन के हो चाहे तुम नहीं हो ट्वेल्थ रिवाइज करना है देन दिस इज द पार्ट फॉर यू ठीक है यस ट्वेल्थ रिवाइज करना है देन दिस इज द टाइमिंग्स uh, फॉर यू जो कि होंगे मंडे से स्टार्ट एक बेटा अगर आप 2021 वाले हैं तो मैंने एक छोटा सा वीडियो लिया था रिगार्डिंग काउंसलिंग ठीक है काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग किसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा क्या है स्टेट कोटा क्या है एंड किस तरीके से कॉलेजेस में काउंसलिंग स्टार्ट होती है सो इफ यू बिलोंग टू इवन 2022 ना कल ही वीडियो लिए जाके जरूर देखना आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप उन हाई कट ऑफ वाली स्टेज में हैं तो आपका एम छो नहीं है फिर इट इज सिक्स उसमें मैंने बताया है कि कौन सी स्टेट की कट ऑफ हाई जाती है किस तरीके से आपको एडमिशन मिलता है कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तुम लोगों ने अगले साल भी नीट देना है तब भी यू कैन वॉच दैट टेन मिनट का वीडियो ताकि आपको आइडिया लगे कि यार अगले साल आपके साथ क्या होने वाला है इसी चैनल पे नीचे जाके देखोगे तो मिल जाएगा इस इसके बाद देख लेना ओके सो यस जैसा कि मैंने बताया YouTube पे मेरा क्लास होगा 3 पी तो होता ही 5:30 थर्टी पीएम होगा मंडे से टर्म के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एवोल्यूशन जस्ट इन 21 days. 21 डेज डेज में थ्री चैप्टर डन ठीक साथ ही में बेटा मेरी क्लासेस होती है प्लस पे भी प्लस पे और आइकॉनिक so, नहीं होना एक बैच यूट्यूब का है वो मेधावी यूट्यूब है एक हमारे प्लस का बैच भी है दैट इज मेधावी टू इस बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं कोड आपके लिए क्या रहेगा सी प्लाइन अब वहां पर बेनिफिट क्या है बेटा YouTube से भी 360 आ रहे थे मैं प्लस क्यों लूँ बेटा तुम क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं हो ना जब तक मनी नहीं जाती है तब तक रेगुलरिटी नहीं आती है सो दिस इज द प्लेस जहां पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी डीपीपीज मिलेंगी एक्सटेंसिव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे यू गाइज कैन टॉक टू मी येस आप अपना कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए मेरे से बात कर सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर बाई बुकिंग योर स्लॉट यहाँ पर आपको वन टू वन मेंटोरशिप मिलेगा अगर आप आइकॉनिक लेते हैं आपको नोट्स का सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों मिलेगा अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो ये बेनिफिट है प्लस का यूट्यूब के ऊपर अब ये आपकी चॉइस है बेटा कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो मैं ये नहीं कहती कि किसी की सुनो मेरी मत सुनो आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए एक हफ्ता यूट्यूब अटेंड करके देखिए क्या रेगुलरिटी बनती है नॉट जस्ट इन बायो इन ऑल द सब्जेक्ट्स क्या आपको समझ आता है क्या आपके डाउट्स हो रहे हैं क्या क्वेश्चन हो रहे हैं अगर हो रहे हैं तो ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा एक्सटेंसिव सपोर्ट चाहिए मुझे मैम से बात करनी चाहिए मुझे मैम के डाउट क्लियरेंस में चाहिए मुझे मैम की डी चाहिए I need some motivation from ma'am, counseling from ma'am, then for you. यूट्यूब इज नॉट द की इट इज द प्लस प्लेटफॉर्म सो इस तरीके से आप डिसाइड किया करो और अगर आप प्लस और आइकॉनिक की तरफ जाते हो तो हमारे ऐप आप में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है छह महीने बारह महीने अठारह महीने एक साल दो साल कितने का भी ले सकते हो डिपेंडिंग कि आप किस क्लास में हो ठीक है जब आप अपना सब्सक्रिप्शन टाइम चूज कर लेंगे तो वहां पर रेफरल कोड का को ऑप्शन आएगा तो कोड वहां पर लगा देना सीप्लाइट ये इसीलिए बोल रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए दैट यू लाइक माई क्लासेस दूसरी चीज यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो इस टाइम पे चल रहा होगा ठीक है स्टार्ट करें फाइनली शुड वी स्टार्ट विथ द चैप्टर यस बता दो ओके okay. स्टार्ट कर दे बेटा ब्लड एंड इट्स बॉडी एंड इट्स कंपोनेंट्स पहला पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ब्लड एंड इट्स कॉम्पोनेट्स ठीक यस

कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम एंड सो वेल मैनेज उसको देखना नहीं पड़ता बस रोटी खाते रहो एनर्जी मिलती रहेगी बॉडी अपना धड़ाधड़ चलती रहेगी सो टॉकिंग अबाउट द थिंग विच गिव्स यू द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एक टिश्यू है उस टिश्यू के बारे में बात करेंगे एंड दैट टिश्यू इज बेसिकली बेटा योर ब्लड अगर मैं बात करूं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की किसकी बात करें बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ठीक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट हैं सो टॉकिंग अबाउट द सिस्टम जो इससे रिलेटेड है दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम

तभी उसके बाद बेटा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम स्टार्ट होगा तो यानी कि डाइजेशन से लेकर अगर तुम एनर्जी बनाना चाहते हो यानी कि रेस्पिरेशन तक जाना चाहते हो बीच में तुमको किसकी मदद चाहिए इस सिस्टम की चाहिए जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट मतलब क्योंकि ये बॉडी में घूमता रहता है इस तरीके से बेटा घूम रहा है यू कैन सी ओवर हेयर बट क्या सिर्फ आपके अंदर एक ही टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं बेटा यू हैव वन मोर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज कोल्ड एज लिंफेटिक सर्क्यूलेटरी लिंफैटिक सर्क्यूलेटरी सिस्टम यानी कि योर बॉडी हैज गॉट टू टाइप्स ऑफ फ्लूड आपकी बॉडी में दो तरीके के फ्लूड है पहले टाइप का फ्लूइड कौन सा है ब्लड दूसरे टाइप का फ्लूइड कौन सा है लिंफ नौ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा बड़ा है, ज़्यादा एक्सटेंसिव है उसके आसपास स्टार्ट है? so करते हैं बेटा जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से सो so अगर मैं बात करूं बेटा कॉम्पोनेट ऑफ दिस सिस्टम तो ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के कॉम्पोनेट्स के बारे में बात करते हैं कैन यू सी मी चेंज द कलर हाँ जी कंपोनेंट्स की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ तो सर्कुलेट करेगा कोई लिक्विड होगा कोई फ्लूड होगा जो घूमेगा दैट फ्लूड इज कॉल्ड एज ब्लड ठीक है सबसे पहले तो बेटा जी अपने पास क्या प्रेजेंट है ब्लड ब्लड इज गोइंग टू सर्कुलेट ठीक है दिख रहा है ओके आएगा सेवला कलर देखेगा साथ साथ बेटा आंसर देते रहो ये आपस में बातें नहीं भाई दूज बाद में बना लेना आज तो दूज है यार कौन सा तुम्हारा फोर्टीन ऑफ फेब्रवरी चल रहा है जो इतना कर रहे हो ठीक है भाई दूज वाले दिन तो कम बात करो थोड़ा ठीक ओके सो हम येस सो वी हैव गॉट फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज ब्लड अब ये ब्लड बेटा किसके अंदर फ्लो करेगा देखो योर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है क्लोज्ड है क्लोज्ड का मतलब है ल्स दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ये जो सेल है ये ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं यानि कि इसके आस पास ब्लड वेसल घूमती है और इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है दैट मीन्स द ब्लड फ्लोज इन द क्लोज ट्यूब्स ओपन नहीं चल रहा बेटा क्लोज ट्यूब्स हैं आर्टरीज हैं वेन्स हैं कैपलेज हैं जिसके अंदर आपका ब्लड घूमता है आपके सारे बॉडी के सेल्स दे आर नॉट बेदिंग वो नहा नहीं रहे हैं ब्लड में तो यानी कि हमारे पास ब्लड के अलावा क्या प्रेजेंट होंगी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी क्या प्रेजेंट होंगी बेटा जिसके अंदर ब्लड घूमेगा दैट इज द ब्लड वेसल अब ब्लड यार कैसे घूमेगा कुछ सोचो पानी अगर किसी ट्यूब में डाल दोगे अगर ट्यूब ऐसे उल्टी चल रही है पानी को ऊपर भेजना है कैसे भेजोगे जब तक एक नीचे मोटर नहीं लगेगी जब तक एक नीचे पंप नहीं लगेगा सेम वे आपकी बॉडी में भी इफ यू वांट दिस ब्लड टू फ्लो आप चाहते हैं कि ब्लड घूमे एंटी ग्रेविटी भी जाए अलॉन्ग द ग्रेविटी भी जाए सो यू नीड अ पंप एंड दैट पंप इन योर बॉडी इज एक्चुअली हार्ट पंप क्या है बेटा आपका हार्ट हार्ट इज अ टाइप ऑफ पंपिंग ऑर्गन हार्ट क्या है बेटा एक तरीके का पंपिंग ऑर्गन है यस yes. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन हिस्से हो जाएंगे एक है पहला फ्लूड पार्ट विच इज कॉल्ड एज अ ब्लड ब्लड इज गोइंग टू फ्लो इन द ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन क्या रहेगा आपका हार्ट रहेगा आज हम किसकी बात करेंगे सबसे पहले बेटा तीनों चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में ऐसा तो है कुछ छोड़ दूंगी सब कराएंगे बड़ा मजेदार चैप्टर है लंबा चैप्टर है लेकिन मतलब यू विल फील लाइक यार डॉक्टर बन रहे हैं अब थोड़ी फील आ रही है डॉक्टर बनने की तो डॉक्टर बनने की फील के लिए पहला हिस्सा स्टार्ट करते हैं दैट इज बेटा जी ब्लड आप सोचेंगे यार इतना बड़ा टेबल क्या भरेगी मैम इसमें देखिए ब्लड के ना बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं है, है ना ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ ब्लड के बारे में सो टॉकिंग अबाउट ब्लड ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले बेटा ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू आपको कराया था एनिमल टिश्यूज में ठीक है कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू थे जिसमें एक स्केलेटल थे थे और एक थे fluid. Fluid में एक कौन सा था आपका ब्लड ब्लड के बारे में यार कुछ खास था राधर ये फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ खास था कौन बताएगा कुछ खास था मतलब देर इज एन एक्सेप्शन एसोसिएटेड विद इट यस प्लीज टेल मी अबाउट द एक्सेप्शन इलेवें कोई भी देख सकता है सबको समझ आता है बिकॉज आई ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टिल द एंड मैं कभी नहीं सोचती यार ड्रॉपर बैच है इसको तो आता ही होगा मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ नहीं आता चाहे सब आता है मुझे लगता है कि यार तुम बिल्कुल निकम् हो तुमको कुछ नहीं आता मुझे ही बताना है तुमको सब ठीक है सो एनी वन केन वॉच दिस ओके यस देर वॉज एन एक्सेप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है ठीक यस द एक्सेप्शन वॉज कि इसके मैट्रिक्स के अंदर अपने को फाइबर्स नहीं मिलेंगे दिस इज फाइबर लेस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर लेस कनेक्टिव टिश्यू जैसे बेटा पूरे कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या था मीजो तो यार अपना ब्लड अलग थोड़ा एक ही मामले में अलग है वैसे तो सेम ही है सो so, इसका भी ओरिजिन ओरिजिनल ठीक है द ओरिजिन ऑफ ब्लड इज मीजोडर्मल अब आपकी बॉडी के अंदर कितना ब्लड है कितना सोचा बेटा कभी हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन योर बॉडी योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अराउंड फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव लीटर्स फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव लीटर्स ऑफ ब्लड एंड टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिसिटीज की यार ये एसिडिक है बेसिक है पानी की तरह बिल्कुल न्यूट्रल है तो बेटा ना ये एसिडिक है ना ये न्यूट्रल है अपना जो ब्लड है ना वो स्लाइटली एल्कलाइन है स्लाइटली स्लाइटली समझते हो न्यूट्रल से बस थोड़ा सा आगे येस सो दी एच ऑफ ब्लड इज

लिक्विड के अंदर लिक्विड तो होगा ही होगा यानी कि ब्लड के अंदर कुछ तो पानी की तरह है मतलब देर इज समथिंग जो उसको पानी जैसा नेचर दे रहा है सो द फ्लू पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्लड बेटा क्या है आपका प्लाज्मा प्लाज्मा इज द फ्लूड पार्ट ऑफ द ब्लड रादर बेटा 55 परसेंट yes, यस 55 परसेंट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा ओनली प्लाज्मा ब्लड का ५५% परसेंट मोर देन 50 परसेंट शेयर बेटा दे दिए इसको कंपनी तो उसकी होती है है ना जिसके पास मोर देन ५०% परसेंट शेयर होते हैं वही कंपनी ले जाता है वही मालिक है बेटा तो यहाँ पे भी अपना मालिक कौन है ब्लड का दैट इज प्लाज्मा बचा हुआ चुटर पुटर कौन फोर्टी में आपके आ जाएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स यस द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ठीक है फॉर्मड एलिमेंट्स कितना परसेंट हो गया अगर इसके पास 55 फाइव परसेंट शेयर है कंपनी के तो इसके पास कितने परसेंट शेयर हो जाएंगे बेटा 45 परसेंट ठीक है 45 परसेंट नाउ मूविंग ऑन टू फॉर्मड एलिमेंट्स पहले मैं प्लाज्मा बाद में आपको अगले पेज पर डिटेल में बताती कि प्लाज्मा में क्या क्या है प्लाज्मा के अलावा बेटा फॉर्मड एलिमेंट्स कितने तरीके के देर आर टू टाइप्स वन इज कॉल्ड एज ब्लड कारपिसल फर्स्ट टाइप बेटा इट इज कॉल्ड एज ब्लड कॉर्पसल्स कॉर्पसल्स इनको ब्लड सेल्स भी बोला जाता है सेकेंड टाइप जो सेल नहीं है सेल की तरह लगता है बट सेल नहीं है दैट इज बेटा प्लेटलेट्स यस क्योंकि प्लेटलेट्स को मैम ने इसीलिए अलग लिखा है क्योंकि वो रियल सेल है ही नहीं दे आर नॉट रियल सेल बेटा वो एक्टिंग करते हैं

अब बेटा डब्ल्यू के आगे भी क्लासिफिकेशन है डब्ल्यू अपना बड़ा एक्सटेंसिव है ठीक है डब्ल्यू बी सी क्लासिफाइड इन टू ग्रेन्युलट्स ग्रैन्युलट्स ग्रैन्युलट्स यानी कि जिसके साइटोप्लाजम में ग्रान्यूल्स हैं मान लीजिए ये साइटोप्लाजम है सेल का इस साइटोप्लाजम में बेटा ग्रान्युलर नेचर है इसका ठीक है तो वो बन जाएगा ग्रेन्युलोसाइट Second type is called as, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रानुल्स नहीं है, that is called as A क्या बोलोगे इसको ए ग्रेन्यूलोसाइट ग्रेन्यूलो एंड ए ग्रेन्युलोसाइट अब इसके आगे डिविजन है देखो बायोलॉजी जितने फ्लो चार्ट बनाओ उतना बढ़िया है इसी चीज को लर्न कर ये लर्न करने का तरीका है यही मैं तुम्हें पैराग्राफ में लिख दूँ तो कभी नहीं लर्न रहेगा एनसीआर ने यही तो किया है एनसीआर ने तुम्हारे साथ खेला है एनसीआर इज वेरी इजी बुक एनसीआर इज वेरी स्मॉल बुक बट दिक्कत पता क्या है उसमें सब दिया हुआ है दिक्कत ये है कि यार उसने दिया पैरा के फॉर्म में यहीं पर यहीं पर बेटा उसने बोला स्टूडेंट से कि यार मैं लिख देता हूँ फ्लो चार्ट तुम बना लेना तो उसने लिख दिया बेटा फ्लो चार्ट हम बना लेंगे ऐसे लर्न होगी एनसीआर दिस इज हाउ यू लर्न इट ठीक है क्योंकि एन टी में यही है लेकिन एक फॉर्म में तुम मिस कर जाते हो चलिए तो बेटा फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोफिल्स बताते जाओ जिसको याद है न्यूट्रोफिल्स हैं देन ईओ हैं है देन आपके सबसे कम वाले बेसोफिल्स हैं ठीक है ये तीन होते हैं ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो यू हैव गॉट किडनी शेप न्यूक्लियस वाले मोनोसाइट्स एंड बेटा फर्दर डिवाइडेड है इनटू बी लिंफोसाइट लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट बी लिंफोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड आज इन सबके बारे में यहां तक बात करनी है बेटा टुडे विल टॉक अबाउट दिस दिस मच ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ेंगे दैट इज प्लाज्मा जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर हैं ये प्लाज्मा है दिस इज ऑल प्लाज्मा सो टॉकिंग अबाउट बेटा जी plasma, प्लाज्मा प्लाज्मा कितने परसेंट शेयर थे बेटा प्लाज्मा के पास फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा ओनली ठीक है अब प्लाज्मा क्या है प्लाज्मा बेटा फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है यानी कि सेल के बीच बीच में ये बॉडी के सेल्स हैं फॉर एग्जाम्पल दीज आर द सेल्स ऑफ द बॉडी तो ये जो इंटर सेल्युलर फ्लूड है सेल के बीच बीच में बेटा जो फ्लूड हो सकता है आपकी ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूड मेन है दैट इज द प्लाज्मा सो इट इज स्लाइटली एल्कलाइन नॉन लिविंग इंटरसेलर सब्सटांस स्लाइटली एल्कलाइन नॉन लिविंग है क्योंकि कोई सेल नहीं है इसके अंदर एंड इंटर सेल्यूलर सब्सटांस इंटर सेल्यूलर सब्सटांस तो यह बात हो गई आपके प्लाज्मा की अब इस प्लाज्मा में क्या क्या है वॉट इज देयर इन द प्लाज्मा सो टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा हां जी क्या लगता है यार ये फ्लूड है तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा कुछ सोच के बताओ तुम लोग बताओगे मैं नहीं बताऊंगी कमन गए इस टेल में यस बताइए 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 यस इफ दिस इज अ फ्लूड व्हाट वुड बी देयर इन दिस फ्लूड क्या होगा फ्लूड है यार बहता है कौन बहता है सबसे ज्यादा पानी तुम्हारी बॉडी इज मेड अप ऑफ पानी तो पानी इज वेयर पानी इज इन ब्लड ब्लड में कहा प्लाज्मा में तो नाइंटी टू 92% टू परसेंट ऑफ द प्लाज्मा इज नथिंग बट वॉटर ये गाइज सबसे पहला और सबसे ज्यादा ज्यादा यानी कि 92 टू ऑफ़ टू परसेंट ऑफ द ब्ला प्लाज्मा इज वाटर ध्यान देना बेटा ब्लड का 55% परसेंट प्लाज्मा है ठीक है इस 55% परसेंट का 90% परसेंट पानी है ब्लड का 90% परसेंट पानी नहीं है ट पानी किसमें है फिटी फाइव परसेंट ऑफ द ब्लड में चीज यस और नो ये बात समझ आई सो नाइंटी टू नाइन टू परसेंट ऑफ द प्लाज्मा इज प्लाज्मा में पानी के अलावा बेटा अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ब्लड प्रोटीन सो देयर आर सम प्लाज्मा प्रोटीन्स ठीक है कितने परसेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन सिक्स टू एट परसेंट वी हैव गॉट प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा बेटा देयर आर गोइंग टू बी मिनरल्स कुछ मिनरल्स होंगे ठीक है एंड देन देर आर सम अदर अदर सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस जैसा कि आपके पास हो जाएंगे हॉर्मोन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक आयंस ठीक है एंजाइम्स हो जाएंगे गैसेस हो जाएंगी ठीक है मेटाबॉलिक वेस्ट हो जाएगा ये सब चीजें क्या है ये सब चीजें बेटा आपके प्लाज्मा के अंदर ही घूमती रहती हैं ठीक है, है? वाइटमिन हो जाएंगे एंटी को एगुलेंट्स हो जाएंगे प्लाज्मा यस गाइस ऑल आर पार्ट ऑफ प्लाज्मा यस बिल्कुल ठीक है सुमित खुशी ल्यूसीफर ल्यूसीफर बातें करना बंद करोगे कि नहीं आज ही कर लोगे सारी बातें आज भाई दूज है तो बस बातें बातें करने का दिन है हैं अपने भैया दीदी से बाद में बात करना ना नॉट नाउ टॉकिंग अबाउट बेटा प्लाज्मा प्लाज्मा में सबसे पहली चीज आपके सामने आता है दैट इज वॉटर प्रोटीन्स मिनरल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन पहले का नाम है एलव्यूमिन एल्व्यूमिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा पे क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वन इज globulin एंड थर्ड वन इज fibrinogen, फाइब्री Fibri नोजन, सो यू हैव गॉट एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन फाइब्रीनोजन ये तीनों क्या हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं अब तीनों प्रोटीन्स के बारे में हमको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन यहीं पे लिख दूँ एक ही पेज पे लिख दूँ चलिए सो so पहले टाइप का प्रोटीन दैट इज एल्ब्यूमिन एलब्यूमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑसमोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड क्या मतलब है इसका लेटमी जस्ट एक्सप्लेन ओके यहां पर एक्सप्लेन करती हूं बेटा एल्ब्यूमिन का फंक्शन ये आपकी ब्लड वैसेल है ठीक है ये ब्लड है ठीक है यस yes. ये आपके सेल्स है ठीक टिश्यू है यानी कि टिश्यू के बीच बीच में पानी भी हो सकता है ब्लड so का ये आपका ब्लड है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना है यानी कि ब्लड के अंदर कितना पानी होना चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा एल्ब्यूमिन। अगर पानी कम हो गया तो ये टिश्यूज से पानी लेकर टिश्यूज के बीच की जो स्पेस है वहां से पानी लेके ब्लड के अंदर का पानी बेटा मेंटेन करके रखेगा ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द टिश्यू फ्लूड इन टू द ब्लड वेसल टू मेंटेन द वॉटर देखो अगर ब्लड के अंदर के प्लाज्मा का 90% परसेंट पानी कम हो गया तो ब्लड पांच लीटर से कम हो जाएगा ना लेकिन ब्लड कभी ऐसा पांच लीटर से कम होता नहीं है क्योंकि देयर इज अ प्रोटीन इन द प्लाज्मा देर इज अ प्रोटीन इन द प्लाज्मा विच एक्चुअली मेंटेन्स द ब्लड वॉल्यूम जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है पानी को बांध के रखेगा यानी कि अगर यहां पर पानी है तो वो बाहर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा ठीक ये चीज बिकॉज ऑफ दिस एलब्यूमेन तो एल्ब्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेंटेन इट मेंटेन्स बी सी ओ पी वॉट इज बी सी ओ पी बी सी ओ पी इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लो बेटा यहां पर बीसीओपी क्या होता है ओके बीसीओपी इज ब्लड कोलाइडल कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखने का काम किसका है एल्ब्यूमिन का है ये पानी को बांध के रखेगा एंड यहाँ से पानी का लॉस नहीं होने देगा अगर ब्लड में पानी कम है तो ये टिश्यू फ्लूड से पानी लेकर ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करके रखता है दैट मीन्स इट ऑल्सो मेंटेन्स इट ऑल्सो मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम ब्लड के वॉल्यूम को भी क्या करके रखता है मेंटेन करके रखता है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्ब्यूमिन और इसके बारे में बेटा खास बात यह है दैट इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन किस किस में से तीनों में से बेटा सबसे ज्यादा अपना यही अबंडेंट है इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन तीनों में से एल्ब्यूमिन ग्लोबलिन फाइब्रीनोजन में से ठीक है ये yes, बेटा यस yes. हाँ ब्लड क्लोइोलॉस मोटिव प्रेशर अगले नंबर पे कौन आता है ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन बेटा तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता जिससे तुम लड़ाइया करते हो किससे एंटीजन से सो so, वैसे तो तीन तरीके के होते हैं वी हैव गॉट थ्री टाइप्स ऑफ विद वी हैव गॉट अल्फा ग्लोबुलिन गामा एज वेल एज बीटा ग्लोबुलिन तीन तरीके के होते हैं वी हैव अल्फा बीटा एंड गामा हमें यहाँ से यहाँ पे किससे मतलब है गामा ग्लोबुलिन से सो so, ये जो गामा ग्लोबुलिन है ना दिस इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम बेटा ये ग्लोबलिन ही एंटीबॉडीज हैं विच फाइट विद द इन्फेक्शन विच फाइट विद द एंटीचन ठीक है गामा ग्लोबलिन तीसरे नंबर पर आ गया आपका फाइब्रीन ओजन अच्छा है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में चीज सिखाई थी वॉट इज द मीनिंग ऑफ ओजन गाइस ओजन का क्या मतलब बताया था कौन बताएगा हां जी ओजन का क्या मतलब बताया था क्यों बेटा मेरी एज पूछी जाएगी है मिस्टर फर्स्ट एपिसोड मैम आपकी एज क्या है नीट में क्वेश्चन आएगा क्या प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आया था 2020 में बता दो पूछा जाएगा तो बता देती हूँ आई एम ओनली सिक्सटीन यस आई एम ऑफ योर एज यू आएगा सिक्सटीन आई एम सिक्सटीन हाँ जी ओके okay. ये yeah, यस yes, बिल्कुल ठीक है ओजन का मतलब होता है इनएक्टिव प्रोटीन सो फाइब्रीन ओजन इज इनएक्टिव अगर तुम इसको एक्टिव करोगे तो फाइब्रिन बन जाएगा देखिए फाइब्रिन इज अ टाइप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन सो इट इज अ टाइप ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन क्लॉटिंग प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग जब हम पढ़ेंगे ना कल पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे कल कल हम देखेंगे कि यार फाइब्रिन का क्या रोल होता है चलिए इसके अलावा और क्या चीजें प्रेजेंट है बेटा प्लाज्मा में यू हैव गॉट हॉर्मोन्स क्योंकि हॉर्मोन्स तो बेटा ब्लड की हेल्प से ही फ्लो करते हैं इनऑर्गेनिक हैं आपके पास एंजाइम्स हैं आपके पास गैसेस हैं ऑक्सीजन है, है सीओ टू है आपको याद होगा यार ऑक्सीजन भी थ्री परसेंट किसके साथ जाती है प्लाज्मा के साथ जाती है डिजोल्ट फॉर्म में सीओ टू भी सेवन परसेंट किसके साथ जाता है प्लाज्मा के साथ जाता है डिजोल्व फॉर्म में तो यहाँ पर अपने पास गैसेज भी हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी ब्लड की हेल्प से प्लाज्मा की हेल्प से करता है एंड यू हैव गॉट द विटामिंस एज़ वेल ठीक है अब इस पूरे प्लाज्मा में से मैं एक चीज हटा दूं तो नाम बदल जाएगा क्या इफ आई रिमूव दिस फाइब्रिनोजन फ्रॉम द प्लाज्मा प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रिनोजन हटा दूं बेटा इसका नाम बन जाएगा सीरम दैट इज आवर नेक्स्ट थिंग दैट इज बेटा हम बात करेंगे अपने सिरम के बारे में सो वॉट इज सिरम सिरम इज नथिंग सिरम बेटा प्लाज्मा का ही नाम है किसका नाम है प्लाज्मा का सो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन इज कॉल्ड एज सिरम क्या मतलब है इसका चलिए ब्लड लेते हैं यस इन दिस टेस्ट ट्यूब यू विल सी मैंने ब्लड लिया वैसे तो बेटा आप ऐसे टेस्ट ट्यूब लेते हो टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाल दिया रेड 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 ब्लड डाल दिया ठीक है थोड़ी देर बेटा ब्लड को ऐसे रख दिया टेस्ट ट्यूब को जस्ट रख दिया जब टेस्ट को तुम लोग रख दोगे तो जो भारी चीजें हैं ब्लड में वो बैठ जाएंगी। भारी चीजें क्या है आपके पास आरबीसी हैं, दे आर वेरी हैवी उनका नंबर भी सबसे ज्यादा होता है तो नीचे बैठ जाएंगे फिर बेटा बीच में एक पफी सा कोट बन जाएगा किसका डब्ल्यू आ जाएंगे यहाँ पर ठीक है डब्ल्यू आ गए यहाँ पर और ऊपर ऊपर एक येलो कलर का लिक्विड रह जाएगा क्या रह गया वो प्लाज्मा दैट इज प्लाज्मा इस सारे प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं पानी है प्रोटीन्स हैं मिनरल्स हैं सारे इस चीजें प्रेजेंट है ठीक है फाइब्रिनोजन है एल्ब्यूमिन है लेकिन अगर तुम इस ब्लड को अलाउ करोगे और सेटल होने के लिए तो ब्लड विल अल्टीमेटली क्लॉट है ना लिक्विड सा बन जाएगा अब ये अब ये यू नो प्रॉपर वैसा लिक्विड नहीं रहेगा बीच में सॉलिड हो जाएगा और ऊपर से कुछ अलग हो जाएगा सो दिस इज अनक्लॉटेड होल ब्लड अभी क्लॉट नहीं हुआ है लेकिन जब बेटा इसमें फाइब्रिनोजन अपना काम करके दिखाएगा नीचे आएगा, ब्लड को कर देगा क्लॉट ऊपर जो बच गया प्लाज्मा दैट इज कॉल्ड इज नथिंग ये वही प्लाज्मा है जिस प्लाज्मा में से तुमने फाइब्रिनोजन माइनस कर दिया क्लॉटिंग प्रोटीन माइनस कर दिए क्लॉटिंग प्रोटीन बेटा क्योंकि नीचे बैठ गए उन्होंने क्लॉट बना लिया और ऊपर क्या बच गया आपका सिरम बताइए क्या ये चीज समझ आई कि सिरम कैसे बना यस गाइस टेल मी नो जो भी बच्चे का नाम है अभी अभी बोल देती हूं अभी यू आर रॉन्ग सिरम इज नॉट ब्लड माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन गलत आंसर सिरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन आप इसकी जगह ब्लड नहीं लिख सकते ब्लड नहीं लिख सकते बेटा क्योंकि सिरम के अंदर सिरम के अंदर ना आरबीसी है आरबीसी भी नीचे बैठे हैं डब्ल्यू भी नीचे बैठे हैं प्लेटलेट्स भी बेटा, बेटा सारे नीचे बैठ गए क्लॉटिंग प्रोटीन भी नीचे बैठ गया ऊपर क्या क्या बच गया ऊपर बेटा सिरम में क्या क्या बच गया सिरम में एल्ब्यूमिन बच गया पानी बच गया ग्लोबुलिन बच गया और ये सब बच गया ये तो नीचे बैठ गया फाइब्रिनोजन में तो बेटा क्लॉट कर दिया तो सीरम इज नॉट ब्लड माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन ये एक येलो कलरड का लिक्विड है किस काम आता है अब तुम सोचो मैम क्यों पढ़ा रहे हो व्हाई हमें तो ब्लड से मतलब है हमें सीरम से कोई लेना देना नहीं हमें लेना देना है क्योंकि बहुत सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट्स जो होते हैं जो लैब में नहीं जाते मेरा ब्लड सैंपल ले लो टेस्ट कर देना तो बहुत सारे बेटा टेस्ट ऐसे होते हैं जो होल ब्लड से नहीं होते आपको वो क्या करेंगे इस ब्लड से सिरम बनाएंगे या तो बहुत समय है तो रात में टेस्ट ट्यूब रखेंगे सुबह तक सिरम बन जाएगा

जिसके लिए अपने को ब्लड नहीं चाहिए जिसके लिए अपने को क्या चाहिए सिरम चाहिए तो जब आपका तो ब्लड सैंपल ही लेते हैं उससे अल्टीमेटली वो क्या बना लेते हैं सिरम सिरम से वो टेस्ट वो कर सकते हैं हाँ जी ठीक है अच्छा अब एक तुमसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कैन दिस सिरम क्लॉट फर्दर क्या ये सिरम क्लॉट कर सकता है येस और नो बताइए हाँ जी हाँ जी बताइए कैन सिरम क्लॉट फर्दर और नॉट हम्म यस मुश्ताक जिया अभी किशन अभिषेक आकाश यार ए ए वाले बड़े बच्चे हैं तुम लोग तो बड़ी आगे बैठते हो मेरे माइंड में हमेशा ये आते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है उनका रोल नंबर आगे होता है वो क्लास में आगे बैठते हैं माई नेम यूज टू स्टार्ट फ्रॉम एस इट स्टिल स्टार्ट फ्रॉम एस सो आई टू नो ऑलमोस्ट नियर जेड पीपल जो लास्ट वाले बच्चे उनके साथ कैन नॉट क्लॉट फर्दर ब्लड कैन क्लॉट ब्लड क्लॉट कर सकता है क्योंकि ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन है अभी लेकिन जब फाइब्रिनोजन बेटा नीचे क्लॉट में बैठ गया उसने क्लॉट बना लिया क्लॉटिंग प्रोटीन तो नीचे है ऊपर तो कुछ है नहीं सिरम कैन नॉट क्लॉट फर्दर ठीक है ये आगे क्लॉट नहीं कर पाएगा सो सिरम इज वॉट सिरम इज प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन और द क्लॉटिंग प्रोटीन्स चलिए तो एक बात हो गई अपने प्लाज्मा हमने कर लिया प्लाज्मा में प्रोटीन्स के फंक्शन भी अपने ने कर लिए अब अपने क्या स्टार्ट करेंगे अबाउट द ब्लड कारपोसल्स ब्लड में जो टाइप के फॉर्म एलिमेंट्स हैं जो सेल्स हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हाँ जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा एरिथ्रोसाइड से आरबीसी से स्टार्टिंग विथ द फॉर्म डेलीमेंट्स कितना परसेंट शेयर थे बेटा फॉर्म डेलीमेंट्स के पास इट वॉज हैविंग फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द शेयर ठीक है क्योंकि फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द ब्लड तो क्या था प्लाज्मा बचा हुआ फोर्टी फाइव परसेंट ब्लड क्या है अपना फॉर्म डेलीमेंट फॉर्म डेलीमेंट्स में अब हम करेंगे ब्लड कार्पसल्स जो कि दो तरीके के हैं ब्लड सेल्स विच आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज आर बी सी दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स ठीक है एरेथ्रोसाइट्स किसको बोला जाता है बेटा रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स को बेटा ये जो दिख रहे हैं आपको सुंदर सुंदर से सेल्स से सेल्स दीज आर कॉल्ड एज एरेथ्रोसाइट क्या बोलोगे बेटा इनको एरिथ्रोसाइट बोलोगे एंड माइंड यू गाइस दिस इज द मोस्ट एम्बॉडेंट टाइप ऑफ सेल्स तीनों में से आपके RBC है, WBC है, में से सबसे ज्यादा नंबर इनका ही है क्यों? क्योंकि बेटा ये कितने होते हैं? मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड जस्ट इमेजिन गाइज आरबीसी कितना है तुम्हारे अंदर 5 टू 5.5 मिलियन लड़कियों में थोड़ा सा कम होगा 4.5 टू 5 मिलियन ले सकते हो ठीक है लड़कों में कितना होता है फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियंस मतलब पचास लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड दैट इज बेटा योर एरिथ्रोसाइट्स ये सारे क्या है बेटा एरिथ्रोसाइट्स हैं अब यार एक आरबीसी दिखता कैसा है कैसा दिखता है द शेप ऑफ द आरबीसी इज जी टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द आरबीसी दिस इज एक्चुअली बाय कॉन्केव बाई कॉन शेप ह्यूमन का जो आरबीसी है वो बाई केव है आप देखोगे ऊपर से भी इस तरीके का डिप्रेशन है एंड नीचे से भी ऐसा डिप्रेशन है ठीक है इस तरीके का आपका डिप्रेशन है तो इसी वजह से जब तुम ऊपर से देखते हो ना इसको ये ऊपर से देखा तो बीच में तुम्हें ऐसे एक डिप्रेशन सा दिख रहा है कैन यू फील इट कैन यू फील इट बेटा यहाँ से ऐसे जाता है और नीचे से भी ऐसे जाता है ठीक, लेकिन सब में में, में, नहीं होता है, जैसा कि मैं बात लेकिन जो अपना आरबीसी वो कैसा होता है बायकॉनकेव होता है ठीक है येस बाय कॉन्केव एंड अनदर थिंग बेटा आरबीसी के अंदर कुछ नहीं है नथिंग नो ऑर्गेनली ये सेल तो है लेकिन बेटा ये सेल ना ऐसा सेल है जो मेच्योर होते होते अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है ये बहुत ज्यादा प्यार में है ये सेल ये सब बलिदान कर देगा किसके लिए हीमोग्लोबिन के लिए सो आर बी सी इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन आर बी सी दे लूज दे न्यूक्लियस अपना न्यूक्लियस बलिदान करेंगे दे विल लूज ऑल अदर ऑरगैनलीज गोल्जी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया राइबोसोम हो गया सेंट्री हो गया सब दे देंगे दे विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग किसके लिए बेटा सैक्रिफाइस किसके लिए जस्ट टू अकोमोडेट टू अकोमोडेट बेटा हीमोग्लोबिन so, सो ये सब इन्होंने किसके लिए किया ताकि इनके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या आ पाए हीमोग्लोबिन आ पाए समझ रहे हो ऐसा प्यार देखा है तुमने कहीं सब कुछ बलिदान कर दे रहा मतलब कह रहा है कि मैं खुद बिना माइटोकॉन्ड्रिया के लूंगा जबकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहा है मैं खुद अपने ब्रेन के अलावा लूंगा ब्रेन आपका न्यूक्लियस ऑफ आप द सेल कह रहे बस मुझे किसको लेके जाना है मुझे किसको रखना है अपने अंदर मुझे हीमोग्लोबिन को रखना है अगर मैं बीच में हीमोग्लो न्यूक्लियस भी डाल दिया माइटोकॉन्ड्रिया भी डाल दिया तो जगह कम बचेगी ना किसके लिए हीमोग्लोबिन के लिए तो हम चाहते हैं मैक्सिमम जगह बचे हीमोग्लोबिन के लिए वो पॉसिबल हो पाएगी इफ़ आर विल लूज इट अच्छा अगर आर ने माइटोकॉन्ड्रिया सेक्रीफाइस कर दिया तो बेचारा रेस्पिरेशन कैसे करेगा कभी सोचा किसी ने भी सोचा है इसके बलिदान के बारे में हाँ जी बताइए अगर आरबीसी ने सब छोड़ दिया हाउ विल इट डू द रेस्पिरेशन पार्ट यस कम ऑन गाइज बताइए माइटोकॉन्ड्रिया चला गया कैसे रेस्पायर करें कम ऑन हाँ जी कौन बताएगा ये बिल्कुल ट्रू वाला लव है अभी अभी तुम्हें जब जब तुम पता करोगे ना कैसे सरवाइव करेगा तब तुम्हें लगेगा यार ये तो पुराने जमाने वाला पढ़ाई से जैसे प्यार नहीं होता था कि लालटेन में बैठ के पढ़ेंगे स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे तो ये भी बिल्कुल वैसा है हीमोग्लोबिन को रखेंगे मैक्सिमम रखेंगे मेरा सब चला जाए हाँ जी कैसे रेस्पिरेशन करेगा यस बताओ साइटोप्लाज्म है इसके पास वो माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं बेचारे के पास कैसे कैसे जिंदा रहेगा बताओ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ज़्यादा एटीपी तो बना नहीं पा सकते तो लेकिन थोड़ा सा साइटोप्लाज्म की हेल्प से बना लेते हैं दे परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक के लिए मुझे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए मेरा सारा काम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म uh, में ही हो जाएगा तो ये लोग कैसे जिंदा रहते हैं बाय परफॉर्मिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन आपने टेंथ क्लास तक ये जरूर पढ़ा होगा कि एन रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है लेकिन कितना बनता है दो एटीपी बनता है बहुत कम बनता है और एरोबिक में कहाँ थर्टी सिक्स थर्टी एट बन रहे हैं तो भाई इतना ज्यादा बलिदान करता है कि कह रहा है कि मैं दो एटीपी में जिंदा रह लूंगा लेकिन हेमोग्लोबिन तू आ जा तू मेरे अंदर बस जा देखो मैं मैक्सिमम जगह दे दूंगा ठीक है तो ये बात हो गई आपकी शेप ऑफ द आरबीसी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी अब बात करते हैं यार आरबीसी बनते कैसे हैं यस फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस नेक्स्ट इज एरिथ्रो पॉइसिस दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आर फॉर्मेशन ऑफ आर देखो हमेशा याद रखना पॉइसिस मतलब फॉर्मेशन जैसे हेमोपोसिस ब्लड की फॉर्मेशन ल्यूकोपोइसिस ल्यूकोसाइट्स की फॉर्मेशन थ्रोपोसाइड की फॉर्मेशन पोइसिस यानी कि बनना अब ये बनता है वेयर दिस एरिथ्रोपोइसिस देखिए जब तो तुम थे एम्ब्रियो तो दो जगह बनता था सो टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियोनिक लाइफ पहले बात करते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ की एम्ब्रियोनिक देन विल टॉक अबाउट एडल्टिथ्रोपोइसिस ठीक है दोनों के बारे में बात करते हैं अगर मैं एम्ब्रियनिक की बात करूं तो जब बहुत ही पहले वाला एम्ब्रियो था यानी कि टॉकिंग अबाउट अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ तो आरबीसी कहाँ बनते थे आरबीसीक कहां बनते थे योकैक में अर्ली एम्ब्रियनिक लाइफ में देन थोड़ा सा बाद वाली एम्ब्रियोनिक लाइफ लेटर एम्ब्रियोनिक लाइफ ठीक है देन ये काम किसने ले लिया रेथ्रोपाइसिस करने का लिवर ने ले लिया सो दिस इज नाउ परफॉर्मड बाई लिवर एंड ठीक है तो ये सब होता था अपनी इम्रियॉनिक लाइफ में जब हम पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले से आरबीसी बन रहा है हाँ जी उससे पहले से बन रहे देन तुम पैदा हो गए तुम क्या बन गए बेटा एडल्ट बन गए तो एडल्ट में आरबीसी कौन बनाता है दिस इज द फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बायर बोन मारो कौन बनाता है कहां पर बनते हैं बेटा बोन मैरो में बनते हैं किस प्रोसेस से बनते हैं एरिथ्रोपोइसिस से बनते हैं कुछ आपके पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो स्टेम सेल्स क्या बनाने में मदद करते हैं बेटा आरबीसी बनाने में मदद करते हैं ठीक है यस बेटा क्लियर है अब इन आरबीसी के अंदर क्या 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 क्या, क्या प्रेजेंट है मैंने बताया यार आरबीसी बड़ा सैक्रिफाइसिंग वाला सेल है जिसने सब कुछ दे दिया अपना सब कुछ दे दिया तो आर बी सी के अंदर देर आर नो ऑर्गेनलीस आर बी सी नो न्यूक्लियस नो ऑर्गेनली नो ऑर्गेनली के लिए ये सब किसके लिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द दर्फेस एरिया फॉर हिमोग्लोबिन ये सब किसके लिए किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द दर्फेस एरिया फॉर हीमोग्लोबिन उसका पहला प्यार ये yes, आरबीसी का प्यार कौन है हीमोग्लोबिन है तो उसके लिए वो कुछ भी कर देगा सब दे दिया बेटा उसने ठीक है अब ये हेमोग्लोबिन क्या है हीमोग्लोबिन बेटा एक प्रोटीन है आपने में पढ़ा था बताओ जरा कैसा प्रोटीन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी बताइए कौन बताएगा हाँ जी बताओ हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है कम ऑन गाइस भी फास्ट ना बताइए मैंने पढ़ाया हुआ है यार मंडे से शुरू हो रहा है फर्स्ट एपिसोड रिप्रोडक्शन यार एक से तो तुमने अपना नाम रखा हो फर्स्ट एपिसोड कौन सा सीरियल देख रहे हो या हर सीरियल का फर्स्ट एपिसोड देखते हो यस इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ठीक है यानी कि आरबीसी का प्रोटीन है ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है ही बट ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है आपको मैंने पढ़ाया था कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बेटा होते हैं जिनके पास एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नो क्या गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बेटा होते हैं जिनके पास एक तो प्रोटीन पार्ट होगा ठीक है एक तो बेटा क्या पार्ट होगा प्रोटीन पार्ट होगा एक क्या होता है नॉन प्रोटीन पार्ट याद आया नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा याद आया जी जैसे लिपोप्रोटीन जो होता था लिपिड प्लस प्रोटीन जैसे ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन प्लस ग्लूकोज सो वैसे ही बेटा हीमोग्लोबिन भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसके पास दो हिस्से हैं एक तो प्रोटीन पार्ट है क्योंकि वो प्रोटीन है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है सो द प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इसका पूरा नाम क्या है बेटा हीमोग्लोबिन है तो इसका प्रोटीन कौन सा है द प्रोटीन इज बेटा ग्लोबिन प्रोटीन सो द प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज ग्लोबिन बच गया हेम बच गया क्या बच गया बेटा जी हेम बच गया सो so, हेम इज गोइंग टू बी द नॉन प्रोटीन पार्ट इट इज आयरन कंटेनिंग फॉर फायर कॉम्प्लेक्स यस सो द नॉन प्रोटीन पार्ट इज हेम विच इज आयरन कंटेनिंग आयरन कंटेनिंग फॉर फायर कॉम्प्लेक्स फॉर फायर कॉम्प्लेक्स ठीक बोला जाता है ना यार पालक खाओ तुम्हारे अंदर ब्लड कम हो गया तुम्हारे अंदर खून की कमी होगी वट इज दैट खून की कमी खून की कमी किसको बोला जा रहा है क्या कम हो गया तुम्हें एनीमिया हो गया तुम्हारे अंदर खून की कमी वट इज दैट खून दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हेमोग्लोबिन क्योंकि ब्लड के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन होता है कितना होता है थर्टीन टू फिफ्टीन ग्राम पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड सो द क्वान्टिटी ऑफ हेमोग्लोबिन जितना आपके ब्लड में होना चाहिए दैट इज थर्टीन ग्राम टू फिफ्टीन ग्राम पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड अगर आपके ब्लड में इससे कम हीमोग्लोबिन हो गया पंद्रह ग्राम से कम तेरह ग्राम से कम तो बेटा आपको क्या बोल दिया जाएगा यू आर एनिमिक सिंपल भाषा में तुम्हारे अंदर खून की कमी है तो खून इज नथिंग दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टॉकउटोग ऐसा नहीं है कि बेटा खून की कमी मतलब पांच लीटर से कम ब्लड है नो no. खून की कमी मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है हीमोग्लोबिन किससे बनता है आयरन चाहिए उसके लिए आयरन कहाँ से खाओगे बाहर से लोगे बाहर से क्या खाओगे बेटा गाजर खाओगे खूब गाजर पालक ये सब खाओगे तो आपके अंदर आयरन का कॉन्टेंट प्रॉपर रहेगा आयरन का कॉन्टेंट

ऑलिगोपेप्टाइड यानी कि इसके पास मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है ठीक है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन ये मैंने आपको कराया था ठीक है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इसके पास टोटल कितनी चेन्स हैं बेटा फोर चेन्स हैं ठीक है कौन कौन सी हैं दो अल्फा चेन्स हैं देर आर टू एंड चर आर टू बीटा चेन एज यू कैन सी ओवर हेयर ये देखिए बीटा 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 दो चेन हो गए Then, alpha one, alpha two. तो हो गए आपकी एल्फा चेन बेटा जी हीमोग्लोबिन हैविंग टू एल्फा एंड टू बीटा चेन सिंस इसके पास चार चेन्स हैं इसी वजह से बेटा इसको बोला जाता है एक टेट्रामर दिस इज कॉल्ड एज अ टेट्रामर टेट्रा समझते हो ना मतलब फोर टेट्रा मींस बेटा जी फोर चार चेन्स हैं तो चारों के लिए बेटा इसको बोला जाता है टेट्रामर। एक को बोलते हैं प्रोटोमर चार प्रोटोमर जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा टेट्रामर और इस तरीके का प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अपने अपने स्ट्रक्चर के बैठी हूँ दो अल्फा बना लिया दो बीटा बना लिया इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज बीटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फोर डिग्री फोर डिग्री ओनली ठीक तो हीमोग्लोबिन का पता चला हीमोग्लोबिन का बेटा पता चला ये बताइए इज दिस क्लियर और नॉट इज दिस क्लियर और नॉट यस बेटा अच्छा चार पॉलीपेप्टाइड चेन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है ना एक बार बता दो यार अगर तुम्हें समझ आ रहा होता है सेशन अच्छा लगता है तो लाइक क्यों नहीं करते हो बड़े ही ज्यादा कंजूस हो फटाफट से यार सेशन को लाइक करो कम ऑन बिना देरी करे तभी हम अगला डब्ल्यू बी सी स्टार्ट करेंगे उस ऐसे से स्टार्ट नहीं करेंगे हाँ जी फटाफट से कम ऑन गाइज बेटा हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आरबीसी बनाने के लिए मुझे सिर्फ आयरन नहीं चाहिए ये जो बच्चा पूछ रहा है आई नीट विटामिन बी ट्वेल्व मुझे चाहिए, चाहिए और आयरन चाहिए तो थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड एक्चुअली मैं पर लिख देती हूँ आपके लिए सो so, आरबीसी बनाने के लिए वी नीड है ना हमारी डाइट में क्या क्या होना चाहिए डाइट की बात करें तो बेटा क्या क्या होनी चाहिए आपके डाइट में आयरन तो डेफिनेटली होना चाहिए यू इटामिन बी टूंकि बी ट्वेल्व आरबीसी फॉर्मेशन मिक्चुरेशन में हेल्प करता है यू ऑल्सो नीड फोलिक एसिड ठीक है ये सब चीजें आपकी डाइट में होंगी तभी एरिथ्रोपोइसिस हो पाएगी नहीं तो बेटा एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पाएगी ठीक हां जी वैसे तो आपका कितना नंबर होना चाहिए वैसे बेटा आपके पास नंबर होना चाहिए आरबीसी का 5 टू 5.5 मिलियन लेकिन कम भी तो हो सकता है हो सकता है तुम्हारे अंदर इतने आरबीसी बने ही ना एंड हो सकता है ज्यादा ही बन रहे हैं ओवर बन रहे हैं सो देयर कैन बी सर्टेन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू आरबीसी नंबर, ठीक है? कुछ डिसऑर्डर्स हैं बेटा जी हाँ जी सबसे पहला डिसऑर्डर रिलेटेड टू आरबीसी फंक्शन इज कॉल्ड एज या डेफिशिएंसी भी हो सकती है एंड एक्सेस भी हो सकता है ठीक है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी हो सकता है एक्सेस भी हो सकता है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को आप लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोपीनिया एरिथ्रो देखो याद रख लो जब भी पीनिया आएगा वेन एवर पीनिया विल कम पीनिया का मतलब होता है लेस नंबर नॉर्मल से लेस नंबर को क्या बोलते हो आप लोग पीनिया बोलते हो तो आरबीसी का नंबर कम हो गया दैट इज कॉल्ड एज रिथ्रोसाइजोसाइटोपीनिया अगर आरबीसी का नंबर एक्सेस हो गया 5.5 मिलियन से बड़ा ज्यादा हो गया एबनॉर्मली एक्सेस हो गया एबनॉर्मली ठीक है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया पॉली बोथ ऑफ देम दे आर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द आरबीसी नंबर प्रॉब्लम डेफिशियंसी ऑब्वियसली यू आर ए नीमिक अगर डेफिशियंसी हो गई तुम्हारे अंदर आर बी सी कम है आर बी सी कम है तो हेमोग्लोबिन कम है हेमोग्लोबिन कम है तो बेटा आपका ऑक्सीजन नहीं मूव कर पाएगा आपके टिश्यूज के पास ऑक्सीजन की डेफिशियंसी हो जाएगी सो वॉट इट विल लीड टू इट इज गोइंग टू लीड टू डेफिशियंसी डेफिशंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज आपके टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्यों यार क्योंकि बेटा ये जो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट पता होना चाहिए आपको पिछले चैप्टर में कराया था क्या बताया था बेटा हीमोग्लोबिन एक तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ठीक है हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट समझते हो ना रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग वाला चैप्टर पिगमेंट यानी कि रंग देगा कौन सा रंग देता है रेड कलर देता है ब्लड को चलो ये तो पता है रेस्पिरेशन में क्या काम है इट कैरीज ऑक्सीजन इट कैरीज सीओ आपका सीओ का 20 टू 23 परसेंट किसके साथ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ जाता है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का 97% परसेंट किसके साथ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ एज हीमोग्लोबिन तो यार अगर ये हीमोग्लोबिन कम हुआ आरबीसी के कम होने से हीमोग्लोबिन भी तो कम होगा अगर ये हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आपका ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगा और वहां पर क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी। अगर ये ज्यादा हुआ तो बेटा ज्यादा हुआ तो क्या खुशी मना अच्छी चीज है सोच के बताओ यार अगर आरबीसी ज्यादा हो गए तो बॉडी के लिए अच्छा है कोई डिसऑर्डर क्यों लिखा है फिर मैंने वाई डिसऑर्डर ये तो अच्छी बात है यार आरबीसी बढ़ रहे हैं और लाल लाल दिखेंगे हम ब्यूटीफुल दिख जाएंगे यस बेटा बताइए यस हां जी बताओ अच्छी बात है ये तो आरबीसी बढ़ा देते हैं क्या दिक्कत आएगी सोच सकते हो क्या प्रॉब्लम आ सकती है कोई तो प्रॉब्लम आ सकती है तभी मैंने इसको डिसऑर्डर में लिखा है यस हां जी बताओ बढ़ा देते हैं यार क्या दिक्कत है बढ़िया आरबीसी बढ़ जाए बहुत लाल लाल दिखेंगे चब्बी चब्बी चीक्स और लड़कियों को तो ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पिंक पिंक कुछ नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी नेचुरली दे वुड बी पिंक हाँ जी यस क्लॉटिंग हो जाएगी अच्छा ये किसने बोला क्लॉटिंग हो जाएगी <laughs> नो बेटा अगर आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया आरबीसी सेल है Already most abundant cell 5 5 .5 ये 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 है 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 पर पर ठीक जो अगर आपने इनका बढ़ा दिया तो blood की viscosity बढ़ जाएगी ब्लड कैसा हो जाएगा बेटा विस्कस शहद की तरह हो जाएगा ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी तो अगेन उसके ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क आएगा हार्ट को ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा उसको पंप करने में तो हार्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा सो वी डोंट वांट टू इंक्रीज आइदर डिक्रीज तो करें ना बिल्कुल भी ना ही इंक्रीज करें नंबर क्या रहना चाहिए बेटा इन दोनों का रहना चाहिए नंबर बिल्कुल नॉर्मल ठीक है यस नंबर क्या रहना चाहिए नॉर्मल अब फंक्शन क्या है इनका यस फंक्शन ऑफ आरबीसी अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ आरबीसी बेटा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ठीक है क्योंकि इसी के साथ हेमोग्लोबिन है और सीओ टू भी जाता है ब्लड है, होते हैं जो पी एच मेंटेन करते हैं सो दे मेंटेन पी एच ऑल्सो विद डन विद डेलीमेंट हो गया है दैट इज आरबीसी अब अगले टाइप ऑफ फॉर्म डेलीमेंट करेंगे ठीक है ये yes, बेटा First type of formed element that is called as RBC is done. Okay.

ऐसे होता नहीं बेटा एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का दूसरे के ऊपर तीसरा तीसरे के ऊपर चौथा ऐसे पूरा स्टैक बना देंगे ठीक है अब ये जो स्टैक है दिस स्टैक इज कॉल्ड एज रूलो ठीक है दिस इज कॉल्ड एज रूलो एंड द रेट एट विच दे सेटल डाउन दिस इज कॉल्ड एज ईएसआर एस आर एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट रिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज ई एस आर जिस रेट पे आर बी सी सेटल डाउन होते हैं एक के ऊपर एक उसके ऊपर दूसरा तीसरा उस रेट को क्या बोला जाता है you know, हम इस ई एस आर से बहुत सारे डिजीजेस के बारे में पता लगा सकते हैं कि यार ये रेट नॉर्मल आ रहा है फोर्टी फाइव परसेंट है या फिर उससे ज्यादा है उससे कम है क्योंकि डिजीज कंडीशन में जो ई एस आर की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है सो इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ओनली ठीक इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस एंड दॉल्ड एज रूलो ओके ठीक यस चलिए आगे आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म एलिमेंट दैट इज गोइंग टू बी डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बीसीज आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट है ना सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्म एलिमेंट बेटा कौन सा रहेगा डब्ल्यू बीसी बेटा एक बात बता दू परसों वाला जो सेशन है कल तो आपकी छुट्टी है परसों वाला जो सेशन है उसमें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करानी है क्या करानी है आपको मुझे कराना है ब्लड ग्रुपिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एंड ब्लड क्लॉटिंग तीनों में से क्वेश्चन आते हैं तीनों में से ब्लड ग्रुपिंग में से भी आता है बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ब्लड क्लॉटिंग में से भी आता है एंड तो मंडे वाला सेशन है ना तीन बजे वाला वो मिस नहीं करना है ऐसी आपको करानी है आज हम ल्यूकोसाइट करेंगे, करेंगे तो फटाफट से खत्म करें हाँ जी ये जो तुम देख रहे हो सफेद से रंग का दौड़ता हुआ ब्लड कैपलरी से बाहर आ रहा है ये और कोई नहीं बेटा ये डब्ल्यू बी सी है सो डब्ल्यू एज ल्यूकोसाइट्स दे आर एक्चुअली

येस वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यू बी सी जैसे आरबीसी थे हजारों में होते हैं मिलियंस में तो बिल्कुल नहीं होते हैं सो so ये सबसे कम नंबर वाले डब्ल्यू बी सी है लेकिन मैं आपको बताऊंगी ना डब्ल्यू बी सी ना वेरिएबल है मान लो मुझे आज बुखार हो गया मुझे इन्फेक्शन है तो मेरे अगर ब्लड का सैंपल लोगे उसमें डब्ल्यू ज्यादा आएंगे क्योंकि डब्ल्यू बेटा सोल्जर्स है अगर मुझे बुखार हुआ है तो कोई ना कोई शत्रु आया है अंदर शत्रु से लड़ने के लिए डब्ल्यू का डिविजन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा सो देर नंबर इंक्रीजेस इन इन्फेक्शन और जब नॉर्मल हो कोई इंफेक्शन नहीं हेल्दी हो तुम लोग तो बेटा आपका इतना नंबर रहता है सो टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू बी सी नंबर दे आर नंबर इंक्रीजेस इन इंफेक्शन नंबर इंक्रीजेस इन इंफेक्शन ठीक है कोई भी इन्फेक्शन होगी तो डब्ल्यू बी सी बढ़ जाएंगे तभी तो तुम लोग टीएल चेक कराने जाते हो कभी याद है बेटा आपने टीएलसी चेक कराया no. कोई हो कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर कहते हैं जाओ ब्लड टेस्ट करा के आओ ब्लड टेस्ट जब तुम करा के आते हो तो ब्लड टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसमें आपके टोटल डब्ल्यू बी सी वो निकालते हैं वो इसीलिए निकालते हैं कि डब्ल्यू बी सी ज्यादा हुआ है तो तुम इन्फेक्टेड हो डब्ल्यू बी सी नॉर्मल हुए तो यार कोई और केस है ठीक है इन्फेक्टेड नहीं हो ठीक टीएलसी सुना है ना कराया भी है कि नहीं कराया यस yes, कराया भी है कि नहीं कराया कभी किसने देखा है नहीं बेटा टुडे देयर इज नो स्पेशल क्लास आज कोई स्पेशल क्लास नहीं स्पेशल क्लासेस मैं कल से प्रॉबेबली स्टार्ट करूंगी एंड स्पेशल क्लासेस का थोड़ा टाइमिंग्स हम बदलेंगे क्योंकि यार तुम जानते हो टर्म वन का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है ट्वेंटी वन डे क्रैश कोर्स तो मेरी ये वाली क्लास रहेगी थ्री टू फोर और थ्री टू फोर फिफ्टीन ठीक है और दूसरी क्लास बेटा स्टार्ट हो जाएगी फाइव थर्टी पे ठीक है फाइव थर्टी पे अपने जो रखते थे टेस्ट कितने बजे रखते थे अपने रखते थे फोर फोर्टी uh, फाइव पे रखते थे तो अब स्पेशल क्लास तब तो नहीं हो पाएगी सो आई एम प्लानिंग कि आपकी स्पेशल क्लास सिक्स थर्टी के बाद प्रॉबेबली सेवन टू एट कर एवरी डे सेवन टू एट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी वन डेज जब तक टर्म वन है ठीक है तो दोनों में से किसी का भी सिलेबस आ सकता है टर्म वन से रिलेटेड भी हो सकती है आपको तो सब करना है टर्म वन वाला भी तो करना ही है पेपर नहीं देना लेकिन रिप्रोडक्शन तो आना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो आना चाहिए तो आपके लिए वो स्पेशल क्लासेस वैलिड रहेंगी दो, दे विल हैपन प्रोबेबलीट सिक्स फोर्टी फाइव और सेवन आई विल टेक स्पेशल क्लासेस फ्रॉम मंडे एट सिक्स फोर्टी फाइव पी एम ठीक है सिक्स फोर्टी फाइव फिक्स कर देते हैं यार सिक्स फोर्टी फाइव से सेवन फोर्टी फाइव कोई दिक्कत है ना यस स्पेशल क्लास बेटा अन अकेडमी के ऐप पे होती है जिस बच्चे को नहीं पता जो नया आया है स्पेशल क्लासेस आर द क्लासेस जो कि क्लासेजेडमी के ऐप पर होती हैं एंड दे आर आल्सो फ्री क्लासेस तो मैं जो प्रैक्टिस है ना अब तुम बोलोगे मैम आप तो थ्योरी करा रहे हो प्रैक्टिस तो कराई नहीं प्रैक्टिस बेटा मैं स्पेशल क्लास पे कराती हूँ क्योंकि तो वहां पे हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वहां पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन रेगुलर सौ सौ क्वेश्चन करते हैं चलिए आ जाइए तो डब्ल्यू पे आते हैं नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंड

कहीं से भी पिचक जाते हैं कहीं से भी फैल जाते हैं सिंस शेप फिक्स नहीं है इसीलिए दौड़ते हुए ब्लड वेसल से बाहर आ जाएंगे आप देखोगे ब्लड वेसल के अंदर पोर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लड वेसल एंड इस ब्लड वेसल के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं अब ये जो अपने आरबीसी हैं ये आरबीसी तो अपनी शेप नहीं चेंज करेंगे बट वेरी स्मार्ट डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सीज दे विल चेंज देअ एंड दे नहीं डाय शो कर सकते हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं है शेप फिक्स नहीं है तब भी तो बेटा निकल के बाहर आ रहा है देख रहे हो कैसे पिचका बीच में बेटा इसने साइज ऐसे छोटा किया डायमी कम किया और तभी बाहर आया है अब डायमीटर कम वही कर सकता है जो अमीबा की तरह प्रेजेंट है ठीक सो दे डोंट हैव एनी शेप नाउ टॉकिंग अबाउट बेटर टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी कितने तरीके के हैं शुड वी स्टार्ट अबाउट द दब्ल्यू बी सी हां जी बिल्कुल फर्स्ट वाले टेबल में भी कराया था डब्ल्यू बी सी दो तरीके के होंगे एक जिसके साइटोप्लाजम में ग्रान्यूल्स हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रान्युलट फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रेन्यूलोसाइट

65% is न्यूट्रोफ़िल। इसके बाद किसका नंबर आता है इसके बाद दौड़ाओ इधर लिम्फोसाइट्स पे लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% परसेंट यस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट बेटा क्या होते हैं लिम्फोसाइट मैं ऑर्डर में लिख रही हूं किसमें लिख रही हूं बेटा ऑर्डर में न्यूट्रोफिल्स आए फिर कौन आएंगे लिम्फोसाइट्स आए देन आ जाएंगे आपके मोनोसाइट्स नेक्स्ट वन इन द ऑर्डर इज गोइंग टू बी मोनोसाइट्स दैट इज गोइंग टू बी टू टू टेन परसेंट क्या रहेंगे आपके मोनोसाइट्स फिर पोटर, कौन से बच गए बच गए बेटा आपके पास इोसिनोफिल्स इोसिनोफिल्स दैट इज अराउंड टू टू थ्री परसेंट ऑफ द टोटल डब्ल्यू एंड आपके पास बच गया बेसोफिल्स That इज पॉइंट फाइव टू वन परसेंट पॉइंट फाइव टू वन परसेंट ये इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए सबसे ज्यादा वाला कौन सा है तो सबसे ज्यादा बेटा है आपके पास न्यूट्रोफिल्स एन फॉर न्यूट्रोफिल्स एंड देन लिम्फोसाइट मोनोसाइट इोसिनोफिल एंड बेसोफिल्स दिस इज दर्डर दिस इज द मोस्ट अबांडेंट सेल सबसे ज्यादा कौन सा है न्यूट्रोफिल ही प्रेजेंट है यस न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट है ओके okay. हाँ पुटर थोड़े थोड़े है ना हाँ जी चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ सेल दैट इज न्यूट्रोफिल जो कि सबसे ज्यादा है अब यार न्यूट्रोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ग्रान्युलर है कैन यू सी द ग्रेन्यूल्स लेट मी हाईलाइट द ग्रेन्यूल्स दीज आर द ग्रान्यूल्स देख रहे हो सेल के अंदर ये जो गोल गोल दिख रहे हैं अब ब्राउन से कलर के ये सब क्या है ग्रान्यूल्स तभी तो ये ग्रान्युलर में आता है सो टॉकिंग अबाउट न्यूट्रोफिल्स ठीक है हंची पहले वाला न्यूट्रोफिल ये रहा न्यूट्रोफिल बेटा दे हैव गॉट मल्टी लोब न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस एज यू कैन सी बहुत सारे लोब्स हैं बेटा इसमें इस तरीके से मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ठीक यस न्यूट्रो का नाम न्यूट्रो इसीलिए क्योंकि कुछ तो न्यूट्रल है इसमें इसकी बेटा जो staining होती है ना तो यार एक तरीके का न्यूट्रल टाइप सो इट स्टेनिंग कैन बी डन बाय बेटा आज होमवर्क भी मिलेगा डन बाय बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइस इफ़ यू थिंक कि ये यूट्यूब क्लास है ये तो फ्री क्लास है तो आएँगे देखेंगे दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं होता मेरी क्लास में दिस कुड बी ए यूट्यूब क्लास बट आई टेक ऑल माई क्लासेज वेरी सीरियसली बीट यूट्यूब स्पेशल और प्लस uh, क्लास मेरे लिए सब उतने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तुम लोग भी उतने इंपॉर्टेंट हो तो होमवर्क तो मिलेगा होमवर्क वही कर पाएगा जो पूरा क्लास लगाएगा नहीं तो फिर खुश तो रहना मैम पी डी एफ पी डी एफ पी डी एफ टेलीग्राम टेलीग्राम ठीक है तो इसीलिए सारा कर लो थोड़ा सा ही बचा है इसके बाद अपने ने होमवर्क दे देना है कल करके आओगे स्पेशल क्लास में दिखाओगे बच्चे दिखाते भी हैं यार थ्री सिक्सटी यूट्यूब से ऐसे मजाक नहीं है पूरा होमवर्क करना पड़ता है ठीक सो स्टेनिंग कैन बी डन बाय बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाइज दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पी एम एन एल पोली न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स सो पॉली मोर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स ठीक है हाँ जी इनका फंक्शन क्या है फंक्शन बेटा ये करते हुए यहां पर दिख रहे हैं ये है इनका फंक्शन देख रहे हो आएंगे बैक्टीरिया को क्या कर लेंगे इंजेस्ट कर लेंगे दे विल किल द बैक्टीरिया बाय इंजेस्टिंग इट सो देर फंक्शन इज एक्चुअली फैगोसाइटोसिस इनका फंक्शन क्या है बेटा साइटोसिस यस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दे एक्चुअली परफॉर्म द इंजेस्टन सो देअर फंक्शन इज गोइंग टू बी फैगोसाइटोसिस एक बार इन्होंने फैगोसाइटोसिस कर लिया फिर मर जाएंगे मरने के बाद बेटा क्या बन जाएंगे पस सेल्स बन जाएंगे सो so, जो बॉडी में पस सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं इनके मरने से बनते हैं ओके यस सो ये हो गई आपके न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात न्यूट्रोफिल्स अगला करते हैं नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज इओसिनोफिल्स है ना अगले वाला बेटा यहां पर क्या है इोसिनोफिल पहले ग्रेन्युलोसाइट कर रहे हैं इोसिनोफिल दे आर एक्चुअली टू टू थ्री परसेंट ऑफ द टोटल डब्ल्यू बी सी बेटा इओसिनोफिल है एज यू कैन सी ईओसिनोफिल्स दे आर ऑल्सो कोल्ड एज एसिडोफिल्स इनका दूसरा नाम क्या है एसिडोफिल यार वो न्यूट्रोफिल इसीलिए था क्योंकि वो बेसिक और एसिडिक दोनों डाइज से स्टेन होता था ये एसीडोफिल इसीलिए है बिकॉज इट कैन बी स्टेन बाई ओनली एंड ओनली एसिडिक डाइज किस से स्टेन होगा बेटा सिर्फ एसिडिक डाई से स्टेन होगा ये एंटीवायरस एंटीवायरस बहुत ज़्यादा आता है ओके okay. uh, हमको नहीं स्कैन करना कुछ भी है ना वी डोंट वांट एनीथिंग टू स्कैन ओके सो यस सो दे आर कॉल्ड एज एसिडोफिल्स बिकॉज़ दे कैन बी स्टेन्ड बाय एसिडिक डाइस दे आर नॉन फैगोसिटिक ये बेटा फैगोसाइटोसिस नहीं करते हैं। ये एक्चुअली एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं सो दे आर नंबर इनक्रीजेस इन एलर्जी जब एलर्जी होती है ना तो उसको ठीक करने के लिए आते हैं दे आर नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जी वेरी इंपॉर्टेंट जब तुमको एलर्जी हो जाती है लाइक एजमा हो गया हे फीवर हो गया उस टाइम पे इनोफिल आता है और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है दे आर नॉन फैगोसिटिक फैगोसाइटोसिस नहीं करते हैं ओके नेक्स्ट वन कॉल्ड एज जी, अगला वाला बेटा कौन सा है बेसोफिल बेसोफिल सबसे कम वाला यानी कि लीस्ट अबंडेंट

और बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा टिश्यू प्रेजेंट है जब तक तो यार वो ब्लड के अंदर है, है है। तब तक वो क्या कहलाता है? कहलाता है. जब बेटा ये बेसोफिल बाहर आकर टिश्यूज के बीच में आ गया ना टिश्यूज के बीच में तब वो बेसोफिल नहीं है दैट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज मास्ट सेल क्या बोला जाता है बेटा इसको मास्ट सेल तो यही बेसोफिल है जो ब्लड से निकलकर टिश्यूज में आके क्या बनता है मास सेल अब मास सेल का फंक्शन आपको एनिमल टिश्यूज में कराया हुआ है बता दो यस गाइस बताइए सेल का का फंक्शन बता दो वही वही बेसोफिल काम काम होगा वही काम होगा सेम अलग थोड़ा कर लेंगे कुछ हां जी बताइए कम ऑन गाइस टेल मी यस बिल्कुल ठीक है इमरान विद द राइट आंसर इमरान बेटा विद द राइट आंसर तीन चीजें रिलीज करता है ये ठीक है तीन चीजें रिलीज करता है इट रिलीजेपर हेपरिन हेपरिन विच इज अ टाइप ऑफ वैसो डाइलेटर ठीक है इट रिलीज सेन ओहो अ टाइप ऑफ एंटी कोसाइप ऑफ एंटी को एगुलेंट पता चल रहा है मैम ने खाना नहीं खाया आज है ना तुम लोग यहाँ से पता लगा लोगे कि मैम ने आज लंच नहीं किया तभी ब्रेन इज लाइक से हाँ भैया बंद करो खाना खाओ सो so, हैपरिन के बाद आता है हेस्टामिन इज़ टाइप ऑफ़ वैसो ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ाने वाला तीसरे नंबर पे आता है सेरोटोनिन सेरोटोनिन इज अ टाइप ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो कंस्ट्रिक्टर सो वी हैव गॉड थ्री टाइप्स ऑफ सिक्रेशन ऑफ देश फर्स्ट वन इज हैिन समझ लो इसको जिसने एनिमल टिश्यूज मेरे से नहीं पड़ा वो समझ लीजिए एंटीक्वागलेंट वो होता है बेटा जो ब्लड को हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखता है ब्लड को कभी भी क्लॉट नहीं होने देता दैट इज हैपरिन अगर आप कभी ब्लड को बाहर निकालते हो तो ब्लड स्टार्ट क्लॉटिंग वाई बिकॉज यूर टेस्ट ट्यूब द आउटर मीडियम डज नॉट हैव एनी हेपरिन अगर आप ब्लड को बाहर निकालते हो टेस्ट ट्यूब में लेके आते हो अगर आप चाहते हो कि यार ये लिक्विड ही रहे तो आपको सिंथेटिक हेपरिन डालना पड़ता है और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो सेम काम करते हैं ठीक तो बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट ना होने देने का काम किसका है आपके हेपरिन का नेक्स्ट इज हिस्टामिन हिस्टामिन का काम होता है ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ा देना यानी कि अगर आपकी पहले ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है हिस्टामिन आएगा तो बेटा थोड़ा सा इतना हो जाएगा यानी कि पहले इतनी सी जगह में इतना ब्लड फ्लो कर रहा था अब बेटा जगह बढ़ गई तो ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा यानी कि जहां हिस्टामिन आएगा वहां पर आपकी थोड़ी स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि डायमीटर बढ़ गया वहां पर थोड़ी रेडनेस हो जाएगी रेडनेस क्यों क्योंकि बेटा ज्यादा ब्लड आ रहा है ठीक है ये सारी कंडीशन कहाँ देखी जाती है इन्फ्लामेशन में कब देखी जाती है बेटा जब कोई इंफेक्शन होता है जब कोई टिश्यू इनफ्लेम्ड होता है दिस इज द प्लेस वेयर हिस्टामिन इज एक्चुअली रिलीज ठीक इससे ऑपोजिट काम कौन करता है ब्लड वेसल के डायमीटर को कंस्ट्रिक्ट करना कि अगर पहले ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है अब बेटा ब्लड वेसल का डायमीटर और कम हो जाएगा दैट इज वैसो कंस्ट्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस क्लियर तीनों चीजें बेटा क्लियर हुई कि नहीं है ना बता दो यार कम ऑन गाइस टेल मी यस बता दो यार फटाफट फट्त से फटाफट से सो आई होप ग्रेन्युलोसाइट का फंक्शन आपको क्लियर हो गया ग्रैन्युलट मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स एंड ईसिनोफिल्स यानी कि जब तुम्हें एलर्जी होती है तब तुम लाल पड़ जाते हो है ना एलर्जी हुई किसी चीज से अचानक से डस्ट आ गया क्या कि अगर किसी को सन से एलर्जी है तो तुम लोग लाल हो जाओगे जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है बेसोफिल की वजह से क्योंकि रेडनेस आने के लिए तुमको हिस्टामिन चाहिए लेकिन उस एलर्जी को ठीक कौन करता है आपका इोसिनोफिल ठीक है बिकॉज दे सुपरेज एलर्जी ये एलर्जी को आकर ठीक करते हैं ठीक है एलर्जी को आकर बेटा ठीक करते हैं साथ ही में हेलमेंथिक रिएक्शन में भी इनका रोल होता है हेलमेंथिक रिएक्शन में भी रोल होता है तो एलर्जी कॉज करना Is done by your उसको ठीक करने का काम कौन करेगा Eosinophil. इसके अलावा बचते हैं वन इज कोल्ड एज मोनोसाइट मोनोसाइट भी बेटा क्या है फैगोसिटिक है दे आर ऑल्सो न्यूट्रोफिल की तरह फैगोसिटिक बड़े होते हैं बेटा काफी लार्ज है एंड देस इस तरीके का किडनी शेप न्यूक्लियस रादर दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डब्ल्यू बीसी बड़ा आपका कौन सा है मोनोसाइट है सबसे बड़ा कौन सा है बेटा मोनोसाइट आप देखोगे मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द सेल इज एक्चुअली कवर्ड बायूक्लियस ऑफ द मोनोसाइट फैगोसिटिक सेल्स ठीक लास्ट टाइप ऑफ एग्रानोसाइट इज गोइंग टू बी लिम्फोसाइट आखिरी वाले कौन से है बेटा लिंफोसाइट लिम्फोसाइट में बेटा इस तरीके के सेल्स है एंड दे हैव गॉट राउंड न्यूक्लियस लेकिन काफी बड़ा राउंड न्यूक्लियस होता है जिसकी वजह से साइटोप्लाजम बिल्कुल ऐसे कोनों पर होती है ठीक है ये दिस इज आवर लिम्फोसाइट्साइट एंड लिम्फोसाइड्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी दे आर द सोल्जियस ऑफ बॉडी क्यों क्योंकि बेटा ये एक्चुअली में फाइट कर रहे हैं जब जंग लड़ती जब जंग होती है किसी भी देश की तो एक्चुअल में सरहद पे कौन जाता है लड़ाई करने सरहद पे तो बेटा जाते हैं हमारे जवान तो हमारे एक्चुअली बॉडी के जवान कौन है बॉडी के सोल्जर्स कौन है लिम्फोसाइट ये साइट ऑफ इंफेक्शन पे जाकर लड़ाई करते हैं यहीं से गोलियां निकलेंगी यहीं से बारूद निकलेगा यहीं से मिसाइल निकलेगी यानी कि लिम्फोसाइट खुद भी किल कर सकता है किसी को और ये मिसाइल, गोलियां भी बनाता है तो दो तरीके के आपके लिम्फोसाइट होते हैं वन इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट बीलिम्फोसाइट बी एंड टी इनका ज्यादा डिटेल बेटा हेल्थ एंड करते हैं बी से समझ जाना कि इनकी फॉर्मेशन भी बोन मैरो में मेच्योरेशन भी टी वाले बेटा फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होती है मेच्योरेशन कहाँ होती है आपके थे बी लिम्फोसाइट दे आर गोइंग टू फॉर्म द एंटीबॉडीज क्या बनाते हैं बेटा ये एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड टी लिफोसाइडीड से भी बड़े सारे सेल को मार सकते हैं हांजी एक्चुअल किलिंग कौन करता है टी बी मारता नहीं है बी सिर्फ गोलियां बनाता है गोलियां क्या है हमारी एंटीबॉडीज है सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर लिम्फोसाइड क्या ये चीज सबको क्लियर हुई हाँ जी क्या ये चीज़ क्लियर हुई मैंने ज्यादा बी ओ टी के बारे में इसीलिए लिखवाया क्योंकि मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कराती हूँ जो ड्रॉपर है उसको आइडिया होगा कि मैम क्या बात कर रही है कौन बोन मैरो है कौन थाइमस है देखो इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है डब्ल्यू की भी बोन uh, मैरो में ही हो रही है एंड द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू बी सी कॉल्ड एज अगर आर का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस था तो इनका फॉर्मेशन क्या होगा कभी सोचा है अगर आरबीसी का फॉर्मेशन एरिथ्रोपॉइसिस है तो इनका फॉर्मेशन क्या होगा चलो दिमाग लगाओ जी बताइए इनका फॉर्मेशन क्या कहलाएगा बताइए कौन बताएगा इनका फॉर्मेशन क्या कहलाएगा ये yes, बहुत सिंपल है इफ देयर फॉर्मेशन इज एरिज देयर फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हां जी देयर फॉर्मेशन इज गोइंग टू बिटाल्यू को पॉइसिस फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू बी सीड एज ल्यूको ठीक है क्या बोला जाएगा बेटा इसको ल्यूको बोला जाएगा And यही ल्यूकोपॉइसिस कहां पर होगा बोनमेरो में ही होगा अब यार बंद तो गए कितने चाहिए डेढ़ लाख से मुझे कितने थाउजेंड uh, से कितने चाहिए एट थाउजेंड चाहिए इतने ही होने चाहिए अगर अनलेस की इन्फेक्शन है ठीक है unless की क्या है इंफेक्शन है बट इसका नंबर बढ़ भी तो सकता है इसका नंबर बेटा कम भी हो सकता है जैसा RBCs के साथ साथ नहीं था वैसे इनके साथ भी है बेटा जो इससे भी रिलेटेड है देयर कुड बी इंक्रीज इन देयर नंबर और देयर कुड बी डिक्रीज इन देयर नंबर ठीक है एवनॉर्मल प्रॉब्लम है ये ठीक अगर तो इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस अगर डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज के लिए पीनिया लगाना है तो पीनिया के साथ हम जोड़ देंगे दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोपीनिया ठीक है प्रॉब्लम क्या आएगी ल्यूकोसाइटोसिस बेटा एक तरीके की अब नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं ल्यूकेमिया भी बोलते हैं एंड ल्यूकोसाइटोपेनिया अगर डब्लू कम हो जाएंगे तो इम्यून सिस्टम हो जाएगा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द डब्ल्यू द लास्ट टाइप ऑफ सेल्स बेटा हां जी लास्ट टाइप ऑफ रादर नॉट सेल्स आर नॉट द सेल्स ये भी एक तरीके के फॉर्म एलिमेंट्स हैं जिनको आप क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। बताते जाओ बेटा दे आर कॉल्ड एस थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है फॉर्मेशन को क्या बोल देंगे इसकी फॉर्मेशन को बोल देंगे बेटा थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बो पॉइसिस ठीक है देर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एस थ्रोम्बोपोइसिस। एंड दे आर नॉट ट्रू सेल्स मैंने आपको पहले बताया ये रियल सेल नहीं है दे आर नॉट ट्रू सेल्स तो क्या है ये दिख रहे हैं बेटा क्या है दे आर एक्चुअली सेल्यूलर फ्रेगमेंट एक बोन मैरो एक बड़ा सा सेल बनाता है ये सेल किसने बनाया बोन मैरो ने बनाया इस सेल का क्या नाम है मेगा कैरियोसाइट दिस सेल इज कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट इस मेगा कैरियोसाइट के टूटने से बनते हैं येस yes. इस मेगा केरियोसाइट के बेटा टूटने से क्या बनेगा आपका प्लेटलेट बनेगा सो दीज आर एक्चुअली सेलुलर फ्रैगमेंट ऑफ होम दीज आर सेलुलर फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स सो दीज आर सेलुलर फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट ठीक है मेगा कैरियोसाइट ओके गाइस अब ये जो सेलुलर फ्रैगमेंट है कितने होने चाहिए जैसे आरबीसी मिलियंस में है डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में है देयर नॉर्मल नंबर इज देयर नॉर्मल नंबर एज इन लैक्स कितना होना चाहिए 1.5 टू 3.5 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड ये यूनिट जरूर याद रखना बेटा पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड 1.5 टू 3.5 पॉइंट आपके बॉडी में होने चाहिए अगर कम हो जाएगा अगर बेटा इनका कम हुआ तो दैट कंडीशन कॉल्ड साइटोपीनिया ठीक है थ्राम्बो साइटोपीनिया ज्यादा भी हो सकता है है ना ज्यादा भी हो सकता है बेटा अगर ज्यादा हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा थ्रोम्बो साइटोसिस yes, यस बेटा हां जी क्लियर है बता दो एक बार काम क्या है टॉकिंग अबाउट द लास्ट थिंग दैट इज देयर फंक्शन फंक्शन वैसे मैं इसका कल डिटेल में कराऊंगी बट देयर फंक्शन इज इन ब्लड क्लॉटिंग देयर फंक्शन इज इन ब्लड क्लॉटिंग ठीक है ब्लड क्लॉटिंग का डिटेल प्रोसेस किस तरीके से प्लेटलेट्स काम करते हैं कितने टाइप्स के यू नो फैक्टर्स हैं ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में तो कल की क्लास ना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कल हमने डिस्कस करना है जैसा कल नहीं यानी कि परसों ब्लड ग्रुपिंग ब्लड क्लॉटिंग एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक बार बता दो यार समझ आया कि नहीं समझ आ गया आज वाला तो सेशन को लाइक करो एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट इन सेंस लाइव चैट में बताइए और अगर सेशन समझ आता है ना तो एक टीचर की uh, हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर करके जाया करो कि यार मैम अच्छा था बुरा था मतलब तो जैसा भी तुम्हारा फीडबैक था एक कमेंट करने से क्या होता है तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता बट आई पर्सनली रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कॉरपोरेट दो थिंग्स इन माई सेशन जो बच्चे एज एन एडवाइस एज़ अ फीडबैक देते हैं एंड अच्छा लगता है यार थोड़ा मेहनत करके फाइल बना के इतना सब बता के ऑनलाइन हिम्मत करके आके थोड़ा सा अच्छा लगता है टीचर को अगर आप एक कॉमेंट कर जाते हो कॉमेंट आप सेशन बंद होने के बाद कर सकते हैं ठीक है यस सही है मस्त मस्तम ठीक है कहा रिटर्न कर हैं कह रहे मैम प्लीज रिटर्न कहा से रिटर्न कर जाऊ मैं कहीं गई थी जो आ जाऊं मैं तो वापस ही हूं बेटा आई एम एट माई होम यू आर ऑल्सो एट योर होम एल्स यू वॉन्ट चलिए सो विद दिस वी आर डन विद द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड सारे कॉम्पोनेंट्स कर लिए वी डिड प्लाज्मा वी प्लाजमा विम एलिमेंट्स ऑल द टाइप्स ऑफ फॉर्म डन अब बात करते हैं आपके होमवर्क की यस लेट मी टॉक टेल यू अबाउट योर होमवर्क अच्छा ये ब्लड क्लॉटिंग तो यार आपने देखी नहीं यस yes. ये बेटा ब्लड क्लॉटिंग तो देखी नहीं दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा वैसे मैं कल बताऊंगी इसका इस तरीके से ब्लड क्लॉट करता है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे हम बात करेंगे अपने अगले सेशन में इस तरीके से बेटा जब चोट लगती है ना खून बहता है तो खून को रोकने के लिए कि मत बह भाई कौन आ जाएंगे बेटा वहां पे प्लग इन करने के लिए आपके प्लेटलेट से आ जाएंगे सो दिस इज हाउ इट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल अमेजिंग फिनोमेना जो आपकी बॉडी में होता है नाउ कमिंग टू योर होमवर्क यस होमवर्क बेटा आपका ये है कि आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स के बीच में आई वॉन्ट यू टू डिफरेंशिएट ऐसे टेबल बना के डिफरेंशिएट करेंगे कर लेंगे पहले नंबर लिखेंगे अदर नेम लिखेंगे टाइप्स लिखेंगे फंक्शन लिखेंगे है ना तो ये होमवर्क आपको करके आना है एंड आपकी कॉपी के अंदर कॉपी नहीं लगाई तो बेटा तुम रियल स्टूडेंट नहीं हो अगर आपने यहाँ पे बिना कॉपी के मेरे सामने बैठे हो तो मैं मानती हूँ आप असली स्टूडेंट नहीं हो नीट के आप सिर्फ यहाँ मज़े करने आए हो मज़े हो है गए हैं तो चले जाना जो रियल स्टूडेंट है वो यहाँ पर कॉपी लेके बैठेगा नोट्स बनाएगा और वो जो आपकी कॉपी है नोट्स वाली उसमें आपका ये होमवर्क डन होना चाहिए हो जाएगा यस yes, बेटा बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स के बीच में डिफरेंस कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं आरबीसी का ये डब्ल्यू बी सी का ये प्लेटलेट का ये एक्सेसिव वाले को क्या बोलते हैं आरबीसी डब्ल्यू बी सी ठीक यस yes. हाँ तो मेरे को नोट्स दिखाना चाहते हो बच्चे मुझे नोट्स दिखा सकते हैं बिल्कुल यू कैन रीच आउट टू मी देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स बच्चे शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे यू कैन सर्च मी एवरीवेयर बेटा आप सीप डॉट पाऊजा से सर्च कर सकते हैं मुझे मुझे टैग करो अपनी स्टोरीज में या जहाँ भी आप लोग हों यू कैन सेंड मी यू कैन टैग मी टैगिंग सबसे बेस्ट वे होती है क्योंकि जो मुझे टैग करता है तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ किसी बच्चे ने टैग किए एंड आई री शेयर देम एज वेल सो इफ यू आर मेकिंग ब्यूटिफुल नोट्स देन डू शेयर इट विद मी साथ ही में बेटा सीप डॉट पाहजा की मेरी जो प्रोफाइल है अनअकेडमी uh, की उस पर जाके मुझे फॉलो कर लो फॉलो करने से क्या होगा तुम्हें मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा मतलब एक भी क्लास तुम्हारी मिस नहीं होगी क्योंकि तुम्हें ऐसे पॉपअप आएगा ऐसे घटी घटी चीज का नोटिफिकेशन तो तुम लेते रहते हो व्हाट्सएप का इंस्टाग्राम का आ गया असली नोटिफिकेशन तुम्हारे एप के ऐप के हैं उनको लिया करो अपने फेवरेट एजुकेटर्स को फॉलो करके रखो फॉलो करके रखो एंड यहीं पर मेरी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे से मैंने टाइम डिसाइड कर लिया है सिक्स फोर्टी हमारा टाइम होगा एंड उस समय अपने टर्म वन के भी न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स के टर्म वन के भी एमसीक्यूज करेंगे और यहाँ के भी न्यूमेरिक तो दो टाइम क्लासेस हो क्लासेस होंगी बेटा बढ़ रही हैं है भी, है। भी तो करना ही है टर्म वन कुछ करे ना करे बोर्ड्स वाले तो करेंगे ही करेंगे नीट वाले भी करेंगे ड्रॉप पर भी करेंगे आपकी रिवीजन होगी रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एवोल्यूशन की इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके डन हो जाएंगे यार तो साथ साथ जरूर अटेंड करना तो इसी वजह से अपना स्पेशल क्लास का टाइम रहेगा ही ठीक है तो इस बच्चे ने बेटा अपनी क्लासेस लगाई मैंने आपके साथ शेयर भी किया था देन ऑल इंडिया रैंक 92 साक्षी सिंह ऑल इंडिया रैंक 239 696 नंबर समझ रहे हो देन 692 मार्क्स साइन कर एंड देन देवन हंड्रेड मार्क्स ऑल इंडिया रैंक वन सिक्सटी फाइव एंड देन कोपल जैन विद ऑल इंडिया रैंक थ्री सिक्स इन सब का बेटा कॉलेज फिक्स है बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया इन लोगों ने कर लिया यार तो तुम लोग नहीं कर सकते हो वही बात है बेटा डेडिकेशन पंद्रह लाख बच्चों में से दस हजार मुश्किल से बच्चे इतना कोई मिलती है गवर्नमेंट की बात करूँ तो वेरी लेस ठीक है तो एम अगर इंडिया से करने का प्लान है तो जुट जाओ आज ही से जुड़ जाओ ठीक है सो यू कैन क्रैक बेटा क्रैकैडमी रिवाइव एंड स्टैंड चांस टू विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप स्कॉलरशिपी रिवाइव बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है आपका फोर्टीन ऑफ नवंबर को होगा दो बजे आप लोग एनरोल कर सकते हैं कोड आपके लिए क्या रहेगा सी प्लाइट ठीक है कोड विल रिमेन सेम कहीं भी जाओ स्पेशल क्लास में कोड लगाना हो फ्री प्लान अनलॉक करना हो तो फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए भी the code will remain same so do appear in this बेटा देखिए रैंक वन टू हंड्रेड हंड्रेड परसेंट 100 देखिए हंड्रेड वन टू टू हंड्रेड फिफ्टी परसेंट टू हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट और इधर देख लो तुम्हारी फेवरेट चीज़ तो ये रही येस yes. पहले तीन रैंक्स को आई मिलेगा अब फिर मत कहना मैम मम्मी को मत बोलना आईपैड ले दो इस टेस्ट में आ जाओ फोर टू टेन को अमेजोन के वाउचर्स मिलेंगे सो यू ऑल शुड अपियर एन एन अकेडमी रिवाइव ऑन ऑफ़ नवंबर यार फोर्टीन को तो अपना चिल्ड्रंस डे होता है शायद है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्यों ना बेटा उस दिन एक आई ले लिया जाए सो टॉप हंड्रेड विल ऑल्सो मेंटोरशिप फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा रिवाइव का कोड लगाना मत भूलना तभी वो अनलॉक हो पाएगा नहीं तो नहीं दे पाओगे टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ है ना तो चिल्ड्रंस डे वाले दिन लेटस अर्न एन आई पैड एंड गेट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप बाई अपियरिंग इन दिस ठीक है सो अन अकेडमी रिवाइव में बेटा यू कैन सिक्योर टॉप रैंक आपका जब स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो पूरा सिलेबस कवर होगा आप ऑल इंडिया रैंक भी पा पाएंगे और अपनी प्रेपरेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं साथ ही में बहुत सारे प्लस बैचेस आ रहे हैं लाइक ड्रीम टीम बैच जुवेनाइल बैच बैच पिनाकल मैं अपने बैच का भी बेटा बता दूं तुमको तुम भूल जाते हो दैट इज मेधावी टू पॉइंट ओ बैच इन दिस यू विल फाइंड माय सेशंस ठीक है बिल्कुल लेटेस्ट बैच आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इनफैक्ट अगर आप एक बड़ी इस कोड के द्वारा अंदर एंट्री ले लिए प्लस या आइकॉनिक में तो सारे बैचेस से पढ़ सकते हो जिससे पढ़ना चाहे बेटा उससे पढ़ सकते हो और इन बैचेस में स्कॉलरशिप पाने के लिए फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है एवरी संडे होता है ट्वेंटी एट क्वेश्चन आएंगे सेवन आएंगे बॉटनी के सेवन आएंगे जोलॉजी के सेवन आएंगे फिजिक्स के सेवन आएंगे केमिस्ट्री के ट्वेंटी एट क्वेश्चन सिक्सटी मिनट एंड ये यू कैन गेट स्कॉलरशिप हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है बेटा देखिये वन टू थ्री को फुल स्कॉलरशिप टू टू को एक सौ पचास तक बेटा ट्वेंटी फाइव परसेंट स्कॉलरशिप इसमें अपेयर होने के लिए भी बेटा कोड लगाना है आपको दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ ठीक है इसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओके ऑफ स्कॉलरशिप है बेटा अभी से एनरोल कर लो कितनी सारी चीजें मतलब देर इज

आप मिल रही फिर कहते हैं हम सवाल नहीं सकते हैं जिसमें इंटरक्टिव क्लासेस है लाइव क्लासेस है, हैं डीपीपीज हैं एंड आप वन टू वन में आइकॉनिक ले सकते हैं मेरे से पूछेंगे तो बेस्ट टाइप की सब्सक्रिप्शन बेटा कौन सी है आपके आइकॉनिक क्योंकि बेटा इसमें प्लस के तो सारे बेनिफिट्स हैं ही साथ ही में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे मिनटोरशिप के हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स के पर्सनलाइज uh, अटेंशन के प्लानर के एनालिसिस के ये भी 24 मंथ्स 18 मंथ्स और 12 मंथ्स में अवेलेबल है आप आइकॉनिक वाले बच्चों से पूछ लो उनको क्या बेनिफिट्स हैं वो बच्चे मेरे से बात कर सकते हैं दे कैन रेज देयर हैंड्स दे कैन टॉक टू मी प्रॉपर मिनटोरिंग उनके सेशन है ठीक इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना ठीक तो यस दिस इज द वे टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऐप में जाओ ड्यूरेशन सिलेक्ट करो कोड सी पाइफ एंड वायला यू विल बिकम पार्ट ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म एंड इस तरीके से बेटा वहाँ पर भी अपनी बड़े मज़ेदार पढ़ाई होती है आपने यूट्यूब पे तो देख ही लिया है इससे भी डबल धमाका होता है अपने आइकॉनिक पे ठीक है तो इट्स योर चॉइस आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन बस प्रिपेयर कर लो ठीक कंसिस्टेंट रहिए जहाँ से भी कर रहे हैं आई एल सी यू नाउ डे आफ्टर टुमारो विद टू क्लासेस थ्री पी एम वी विल डू ब्लड ग्रुपिंग ब्लड क्लॉटिंग एंड रिथ्रो ब्लास्टर्स फाइव थर्टी विल स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक और सिक्स फोर्टी फाइव पे आपकी स्पेशल क्लास रहेगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे दोनों सेशन का इसका भी आधा और उसका भी आधा ओके वन आवर की स्पेशल क्लास तो ये तीन क्लासेज अपनी फिक्स हो जा रही है मंडे से तब तक बेटा रिवाइज करो पिछला बैकलॉग है उसको कवर करो थोड़ा सा फेस्टिव मोड है मना भी लो रिलैक्स कर लो एंड यस सी यू ऑन मंडे एवरी वन टेक केयर एंड सेशन अच्छा लगता है तो डू लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि बाकी बच्चे भी ये फ्री एजुकेशन का फ़ायदा ले पाएँ एंड टू कॉमेंट ऑन दिस सेशन बिकॉज आई पर्सनली रीड एंड रिप्लाई ऑन दिस कॉमेंट्स ठीक है चले बाय एवरी वन टेक केयर